प्राध्यापक गण, साथ ही ऑफलाइन और ऑनलाइन जुड़े मेरे समस्त छात्र छात्राएं एवं जिसके तत्वाधान में एवं कैरियर काउंसलिंग अंजू कुमारी, आप सभी का वर दंड मंडित करा या श्वेत पद्मा सना या ब्रह्मा चुत शंकर प्रवृति भी देवा सदा वंदिता सामां पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्या जगत जननी शारदे करूं मैं तेरी वंदना जगत जननी शारदे करूं मैं तेरी वंदना वीणा पाणी धारिणी प्रकाश पुंज ज्योत्सना जगत जननी शारदे करूं मैं तेरी वंदना करूं मैं तेरी वंदना करूं मैं तेरी वंदना। अतिथि, हमारी संस्कृति के अनुसार हमारे लिए देवता समान होते हैं। इसी संकल्पना को सार्थक करते हुए प्राचार्य महोदय से अनुरोध है कि वसुंधरा को सुशोभित करने वाले जो हमारे वृक्ष पौधे हैं उन्हें भेंट करते हुए इस वाक्यांश को सार्थक करें। धन्यवाद सर। जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो हार होगी और ठान लो जीत। इसी वाक्यांश को साकार करने के लिए आज हमारे बीच मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित है श्री बलराज तामरकर सर, जो सहायक प्राध्यापक है राजनीति विज्ञान में गवर्नमेंट कल्याण महाविद्यालय नंदिनी नगर अहिवारा। इसके साथ ही सर ने 22 वर्षों तक निरंतर प्रतियोगी परीक्षाओं
जनरेट किया है और बच्चों को, विद्यार्थियों को और हम जैसे प्राध्यापकों को अपना ज्ञान साझा किया है। आज मैं यहाँ पर खड़ी हूँ, मैं आप सभी को ये बता दूं कि हम में से बहुत से प्राध्यापक ऐसे हैं जो हम सर के छात्राएं रही हैं और सर ने हमें अपना ज्ञान साझा किया है। क्योंकि आज के इस आधुनिक युग में प्रतियोगिता निरंतर बढ़ती जा रही है, प्रत्येक क्षेत्र में भविष्य, भूत तथा वर्तमान को देखते हुए हमें हमेशा शिक्षा का महत्व जो है वो सर्वविदित हुआ है। अच्छे आचरण ज्ञान को ग्रहण करने के लिए हमने शिक्षा को यथार्थ स्वीकार किया है। साथ ही हर विद्यार्थी किसी ना किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सतत प्रयास करता है और इन्हीं प्रयासों में से प्रतियोगी परीक्षाओं को कैसे इसकी तैयारी की जाए तथा इसका उद्देश्य कैसे बनाया जाए और हमारे मस्तिष्क में निरंतर यह विचार आता है कि हम कैसे तैयारी करें, हम किन क्षेत्रों पर विचार करें। निसंदेह ये सभी वर्ग के विद्यार्थी तथा हमारे जैसे वर्तमान में जॉब करते हुए हर प्राध्यापक को आगे चलकर उन्नति करने के लिए हम हमेशा से प्रयासरत रहते हैं। इस विषय पर प्रकाश डालने के लिए आज हमारे बीच हमारे मुख्य अतिथि उपस्थित हैं। सर ने शिक्षा के क्षेत्र में 22 वर्षों से प्रतियोगी परीक्षाओं का निरंतर अभ्यास कराया है और मैं अधिक सर के विषय में नहीं कहना चाहूंगी, क्योंकि जिस प्रकार सूर्य को रोशनी की जरूरत नहीं पड़ती, उसी प्रकार हमारे मुख्य अतिथि को अधिक परिचय देने की मुझे जरूरत नहीं लगती, इसलिए मैंने संक्षेप में आप सभी को इससे अवगत कराया है। अपने वाक्यांश को आगे पूर्ण करते हुए मैं महाविद्यालय के प्राचार्य सर से आग्रह करती हूँ कि वो हमारे ऑनलाइन और ऑफलाइन जुड़े हुए बच्चों को आशीष वचन कहें। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय बलराज तामकर सर, मंचासीन महाविद्यालय के डिप्टी डायरेक्टर आदरणीय ममता मैडम, मेरे सभी सहयोगी प्राध्यापक गण, छात्र एवं छात्राएं, आज का दौर काफी कंपटीशन का दौर है, ये सब आप अच्छी तरह से जानते हैं। और सबसे अहम बात है कि जो कंपटीशन है हमारे बीच, उसमें हम कैसे सफलता प्राप्त करें, वो भी आज एक स्टाइल हो गया है। क्योंकि अक्सर शिकायत होती है कि हम एग्जाम तो पास कर लेते हैं, कभी इंटरव्यू में रुक जाते हैं, इंटरव्यू नहीं निकाल पाते हैं। वो शिकायत मुझको भी है, मैंने भी पीएससी निकाला था और आज भी वो बात मुझको अखरती है कि शायद कोई गाइडेंस मिला होता इंटरव्यू के लिए तो आज सफल होता। दो दो बार पीएससी निकालने के बाद इंटरव्यू नहीं होना दुख का कारण है। तो मैं चाहूंगा कि आज जो सुविधा आप सबको मिली है, हम लोग तो गांव में रहते थे, गांव में सुविधाएं नहीं थी, पढ़ लिख के जो मेहनत करके रिटर्न निकाल लेते थे, इंटरव्यू में शायद नहीं फेस कर पाए। तो इसलिए मैं चाहूंगा कि भिलाई जैसे एजुकेशन हब है और यहाँ इतनी सारी सुविधाएं हमारे बीच चीर परिचित सर उपस्थित हैं, तो मैं चाहूंगा कि उनका अनुभव लाभ लें। और वैसे भी कहा गया है, सर से मैं पहली बार मेरी मुलाकात हुई और फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन कहते हैं कि विद्या ददाति विनयम। यदि कहीं मैं देखता हूँ तो निश्चित रूप से बल्लाज शर्म में मैंने देखा। और आप सबसे गुजारिश रहेगी कि ये दौर बहुत मेहनत मांगता है कि आज वही आदमी सफल है जीवन में जो
समय रहते मेहनत कर ले, समय को पहचान ले। इसलिए आप सबसे मेरी गुजारिश है, स्टूडेंट से भी और मेरे जो नए नए प्राध्यापक हैं जिनको अभी अपने अपना फ्यूचर बनाना है, उन सबसे मेरा आग्रह है कि अभी मेहनत से जीना चुराएं, अभी मेहनत करें, आगे बहुत सुखी रहेंगे। आप सबके उज्ज्वल भविष्य की कामना के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देना चाहूँगा और आप सबसे एक बार फिर गुजारिश करूँगा कि समय को पहचानिए और मेहनत से पीछे ना हटिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज के हमारे मुख्य अतिथि महोदय से मेरा आग्रह है कि मंच पर आकर वो अपने ज्ञान को हमारे साथ साझा करें। तो मैडम क्लास लेने की आदत है तो तरीका नहीं लग रहा है, कैसे लगाते हैं मैडम? अच्छा ठीक, चलिए। तो मंच पर आसीन मुख्य अतिथि अध्यक्षता कर रहे हैं प्रिंसिपल सर तिवारी सर, डिप्टी डायरेक्टर मैडम ममता मैडम और सभी प्राध्यापक गण, और सबको धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने मुझे इस योग्य समझा कि मैं आके अपने कुछ अनुभव यहाँ पे शेयर कर सकूं, है ना। और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं ये थोड़ा सा, हम लोग टू वे कम्युनिकेशन करेंगे हम लोग, क्योंकि पहले एक बार जान लूं कि आप लोग किस प्रकार, आवाज गूंज रही क्या? आप लोग की अपेक्षाएं क्या है पहले मैं जान लूं, क्योंकि मैं बोलूंगा तो मैं काफी देर बोल सकता हूं, तो प्रोडक्टिव बातें हों यहाँ पर, है ना, थोड़ी उत्पादक बातें हों कि आप लोग किस विषय पे ज्यादा जानना चाहते हैं। इनिशियल लेवल से अगर मैं बताना शुरू करूं पीएससी के बारे में, व्यापम के बारे में, या कौन सी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, उनका नेचर क्या है, इसके बारे में आप जानना चाहते हैं कि पीएससी की तैयारी कैसे करें उस पर जानना चाहते हैं, कि आप ये जानना चाहते हैं कि तैयारी करते समय स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, प्लानिंग्स क्या होनी चाहिए, अप्रोच क्या होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्या मैं देख रहा हूँ, मेरे को पढ़ाते लगभग 20-22 साल हो गए हैं और यहाँ पे पढ़ता हर कोई है, मेहनत हर कोई करता है, लेकिन जो एक अप्रोच होना चाहिए, है ना, जो एक रणनीति होनी चाहिए, एक प्लानिंग होनी चाहिए, एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए, इसकी काफ़ी कमी है। इसलिए लोग अच्छे, जो मेहनती लोग हैं वो अच्छी स्ट्रेटजी और पेशेंस के कारण नहीं होने के कारण जो है यहाँ से क्विट कर जाते हैं। तो आप लोग अगर बताएं तो फिर मैं शुरू करता हूँ अपने तरीके से। हाँ ठीक है, और ठीक, चलिए ठीक है। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा ना जो परीक्षा की जो मूलभूत आवश्यकताएं उस पर चर्चा करते हैं हम लोग, कि देखिए प्रतियोगी परीक्षाओं की जो तैयारी करने के लिए जब हम आते हैं तो सबसे पहले ना हमें जो है ना, मेरा सभी बच्चों से एक प्रश्न होता है, क्या आपने मनोवैज्ञानिक तैयारी की? सबसे पहले है मनोवैज्ञानिक तैयारी, आप मनोवैज्ञानिक रूप से कितने तैयार हैं उसके लिए कि मैं प्रतियोगी परीक्षा में जा रहा हूं, मनोवैज्ञानिक रूप से कितने तैयार हैं आप? मनोवैज्ञानिक रूप से तैयारी करने का मतलब यह है कि ठीक है, ये पोजीशन ठीक है ना, मनोवैज्ञानिक रूप से कितने तैयार है का मतलब ये है कि मैं इतने सालों से तैयारी करा रहा हूं। लोग पीएससी की तैयारी करते हैं, मैं दो तरीके से इसको डिफाइन करता हूं मनोवैज्ञानिक तैयारी का मतलब, चाहे वो व्यापम हो, चाहे वो पीएससी हो, चाहे बैंक हो, चाहे रेलवे हो, ये जो मैं बताने जा रहा हूँ इस सबके लिए एप्लीकेबल है। मनोवैज्ञानिक तैयारी का मतलब ये होता है कि सबसे पहले ये है कि आप इस प्रतिस्पर्धा में आ रहे हैं, प्रतिस्पर्धा का मतलब ही होता है चीजें कम होती हैं, उसको लेने वाले लोग ज्यादा होते हैं, उनके बीच उस पद को पाने की होड़ होती है, लोग मेहनत करते हैं, लोग प्रयास करते हैं, है ना, तो ये प्रतिस्पर्धा है। तो प्रतिस्पर्धा में जब आप उतर रहे हैं तो मनोवैज्ञानिक तौर पर कितने तैयार है, मनोवैज्ञानिक तौर पर का मतलब है कि आप कितना धैर्य आप में है, ये पहली आवश्यकता है, ये कितना पेशेंस चाहिए, क्योंकि ना प्रतिस्पर्धा बड़े स्तर पर है। इवन आज तो मैं देख रहा हूँ कि 12वीं का लड़का 12वीं करने के बाद पीएससी की तैयारी कर रहा है,
बैंकिंग की तैयारी कर रहा है, तो प्रतिस्पर्धा बहुत बड़ी है। आप मनोवैज्ञानिक रूप से कितने मजबूत हैं, आपने मनोवैज्ञानिक तैयारी की कि मुझे इतना लंबा समय तक इसमें पेशेंस रख के काम करना है। आप असफलताओं के बीच काम करने के लिए कितने तैयार हैं, मुझे मालूम है कि एक दो में सफलता नहीं मिलेगी, प्री निकलेगा, फिर मेंस निकलेगा, फिर हो सकता है मेंस निकलेगा, इंटरव्यू नहीं निकलेगा, फिर वापस प्री, मेंस, फिर इंटरव्यू। बहुत पेशेंस चाहिए, है ना। आप कितने तैयार हैं असफलताओं को सहकर तैयारी करने के लिए। तीसरी बात, कितना त्याग करने के लिए आप प्रिपेयर हैं, कितना त्याग कर सकते हैं आप, उसके लिए कितना जो है सब कुछ त्याग करके मेहनत करना पड़ेगा, कितना कर सकते हैं आप। नंबर तीन, आप जो है सबसे बड़ी बात जो मैं कहने जा रहा हूं, आप में दृढ़ता कितनी है। ये फील्ड मानसिक दृढ़ता की लड़ाई है, मैं आपको बता, ये मेरा एक्सपीरियंस है। बहुत अच्छे अच्छे बच्चे आते हैं, होनहार भी हैं, पढ़ने लिखने भी तेज हैं, बस दो ही कमी उनमें होती जिससे असफलता को सह नहीं आप पे आप लोग गिरते हूं, क्योंकि एक तो असफलताओं दिया जाता है कि ये लड़का कुछ नहीं कर सकता, आपकी प्रासंगिकता पर प्रश्न चिन्ह लग हुए, समझ रहे हो, आपको दृढ़ता का भाई को जानते हैं। और नंबर दो, कुछ अच्छे आपके शुभचिंतक जिसकी गिनती बहुत कम होगी। अधिकांश निगेटिव माहौल में ही पढ़ाई करनी होती है, नकारात्मक माहौल में ही पढ़ाई करनी होती है। तो उस नकारात्मक माहौल में अपने आपको कितना आप प्रिपेयर करते हैं, आपको अपना उत्साह स्वयं बढ़ाना पड़ेगा। क्या इसके लिए तैयारी की आपने, ये सोचा इतना आपने कि कल मुझे ये चीजें नहीं मिलेंगी, मैं अकेले मुझे पढ़ना है। तो मानसिक मजबूती, मानसिक दृढ़ता की पढ़ाई है भाई। और नंबर तीन कि आपको बता दूं, एक और एक्सपीरियंस बता रहा हूं। मेरे यहाँ दो बच्चे आए, दोनों की मम्मी सगी बहन। एक लड़का बहुत शार्प, बहुत तेज, कुशाग्र बुद्धि का, टैलेंटेड है, सब कुछ अच्छा। वाला ये बहुत ज्यादा होता था और दृढ़ता नहीं हुआ। मैं जॉब कर लेता हूँ, जॉब करने लगा, फिर बोले ठीक नहीं है, मैं जो है क्या बोलते हैं पढ़ाने लग जाता हूँ। आज पढ़ा, धैर्य के साथ पढ़ा, मजबूती के साथ पढ़ा, अच्छे मार्गदर्शन में पढ़ा, आज वो डिप्टी डायरेक्टर है, आज वो सेलेक्टर है। तो मेरा ये कहना है कि हम बच्चों में ना टैलेंट होता है, हम बच्चों में इच्छा शक्ति भी होती है, और रुक नहीं पाते। और मेहनत आप करने के लिए मानसिक तौर पर तैयार रहिए। मैं मनोवैज्ञानिक तैयारी इसलिए पहले बोल रहा हूं क्योंकि भैया ये पूरी पूरी कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम साइकोलॉजी खेल है। जो साइकोलॉजी रूप से तैयार है, अंदर से तैयार है कि मैं इतना परिश्रम करूंगा, मैं इतना त्याग करने के लिए तैयार, फलताओं के बीच पढ़ूंगा, मैं विरोधों के बीच पढ़ूंगा, ये तैयार रखिए, क्योंकि दो साल बाद आपको ये मिलने लगेगा। अड़ोस पड़ोस वाले ही बोलने लगेंगे, घर में माँ पिताजी कोई तीसरा व्यक्ति नहीं है, घर में माँ पिताजी का
जो है ना साथ हमेशा रहिए, उनको हमेशा मतलब घर का साथ लेकर चलिए, क्योंकि दुनिया विरोध में रही, घर वाले साथ है तो आप टिके रहेंगे, मैं आपको बता रहा हूं। तो इसलिए ना ये कितने तैयार हैं पहले ये मुझे बताइए, ये मनोवैज्ञानिक तैयारी। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे एक चीज और है, जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उस एग्जाम के अपनी खुद डिमांड्स होती है। देखो देखे होंगे आप जीएस का सिलेबस, आप रेलवे में भी वही है, बैंक में भी वही है, पीएससी में भी वही है, एसएससी में भी वही है, लेकिन कहीं ना कहीं डिमांड अलग है, तो क्वेश्चन का पैटर्न अलग है, क्वेश्चन का क्या बोलते हैं अप्रोच अलग है, क्योंकि वो आपसे अलग अपेक्षाएं करता है। आपको टाइम ओरिएंटेड होना पड़ेगा, आपको समय का अनुशासन और समय का महत्व समझना पड़ेगा। आपके आसपास बहुत सारे ह्यूमन रिसोर्स भी होते हैं, उसका भी आपको महत्व समझना होगा। क्या होता है आपको बता रहा हूँ, एक अच्छा तैयारी करने वाला जो एक अच्छा ना प्लानर होना चाहिए उसको, है ना, अच्छा नियोजक होना चाहिए। क्यों? क्योंकि नियोजक वो होता है जो अपने आसपास संसाधनों का अधिकतम अनुकूलतम दोहन करना अपने हित में जानता, अपने लक्ष्य की प्राप्ति। आपके पास होते हैं बहुत सारे ह्यूमन रिसोर्स अड़ोस पड़ोस में, दोस्त में, उनका आपको लाभ उठाना भी आना चाहिए, उनसे सीखने का प्रयास करना चाहिए। और आपको बताऊं निरंतर सीखना है इस फील्ड में, क्योंकि अगर आप में जिस दिन पूर्णता आ गई है ना, सोचेंगे कि मैं सब कुछ जानने लग गया, उस दिन से आपका पतन शुरू है। सीखना बहुत जरूरी है, और सीखने के लिए ना आपको बता दूं विनम्रता बहुत जरूरी है, और सीखने के लिए ऐसा झुकना बहुत जरूरी, तब जाके अंदर ऐसे जाता है। तो सीखने के लिए ना दो तीन चीजें आपको जरूरत है, विनम्रता जरूरत है, सीखने के लिए आपको झुकना जरूरी है। आप मत देखिए कि किसी उम्र के बच्चे, कम उम्र के बच्चे से भी सीखते हैं, समझ रहे, तैयार रहिए सीखने के लिए, तैयार रहिए, और नई नई टेक्नोलॉजी, नए विचार, नई चीज सीखने के लिए तैयार रहिए। और नंबर तीन, सीखने के लिए ना अभ्यास की जरूरत पड़ती है, उस काम को अगर सीखना है तो आपको अभ्यास करेंगे तब जाके वो आपको सीख पाओगे, उस पर आपका अधिकार बनेगा और आप जो है मजबूत बन पाए। एक तो ये मनोवैज्ञानिक रूप से तैयारी का एक पार्ट है। दूसरा पार्ट में जो मनोवैज्ञानिक रूप से तैयार है, मैं ये बोलना चाहता हूँ, जैसे पीएससी का आपने लक्ष्य बनाया, तो पीएससी का लक्ष्य बनाया तो आपको मनोवैज्ञानिक तौर पर आपका दृष्टिकोण बहुत व्यापक होना चाहिए, क्योंकि मैं एक पॉलिसी मेकर बनने जा रहा हूँ, मैं एक जो है क्या बनने जा रहा हूँ, एक डिसीजन मेकर बनने जा रहा हूँ, एक प्लानर बनने जा रहा हूँ, क्या वो अप्रोच रखते हैं। आप मालूम, आप देख लीजिए बहुत सारे जो पीएससी की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, 3 साल हो गया तैयारी करते, जब पूछेंगे ना कि भैया ये जो है गोधन न्याय योजना क्यों आया, या ये भारत चीन संबंध पर थोड़ा बता दोगे क्या, या यार ये बताओ कि ये गिलगित और बाल्टिस्तान का क्या महत्व है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में या अभी सिनारियों में, उसको पता ही नहीं है, उसको ये नहीं पता डिप्टी कलेक्टर काम क्या है, उसको पता ही नहीं है कि मैं जो है एसडीएम का काम क्या है, और आप वही बनने जा रहे। तो मेरा ये कहना है कि जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उस एग्जाम की काम क्या है उसकी फीलिंग लाइए फर्स्ट। जब तक फीलिंग से आप तैयारी नहीं करेंगे, मन से तैयारी नहीं करेंगे ना कि मैं वो बनना चाहता हूँ, मुझे वो बनना है, तब तक आप में वो चीज नहीं आएगी। देखिए आपका नजरिया बदल जाता है ना, नजरिया कैसे बदलता है कि जैसे आप डिप्टी कलेक्टर के रूप में फीलिंग करके तैयारी करते हो, कल मैं प्रशासक बनने जा रहा हूँ, तो फिर आपका नजरिया बहुत व्यापक होना चाहिए, विस्तृत होना चाहिए, एनालिसिस बढ़िया होना चाहिए, तर्क लॉजिक बहुत बढ़िया होना चाहिए आपका, है ना। तो ये अप्रोच यहाँ पे कमी है। मैं बहुत लोगों को पाता हूँ कि लड़के जैसे तैयारी कैसे करते हैं कि वो डायरेक्ट कोचिंग में चले जाते हैं और सोचते हैं कोचिंग वाला सब कुछ बना देगा, ऐसा नहीं है। सबसे पहली बात तो कोचिंग की मीनिंग ही गलत लोग समझते हैं, क्योंकि कोचिंग का मतलब होता है आप सारा कुछ जानते हैं, आपको केवल कोच करेगा, आपको सिर्फ फिनिशिंग करेगा आपके, है ना, समझ रहे हो। जबकि यहाँ लोग स्टार्टिंग से पढ़ने के लिए जाते हैं, वहां पर सबसे बड़ी कमी तो यही होती है। भाई सचिन को भी तो कोच की जरूरत पड़ रही है ना, वो तो विश्व का महानतम बल्लेबाज है, फिर भी उसको कोच की जरूरत पड़ रही है कि आपने आज जो गेम खेला उसमें कहाँ कहाँ टेक्निकल जो है आपकी कमियां क्या रही बताने के लिए। तो कोचिंग जो है ना, एक तो ये तरीका है, दूसरी बात कोचिंग जब जाते हैं ना तो लोग ना उनके नोट्स पर ही डिपेंड हो जाते हैं, लोग जो है उनके क्या बोलते हैं बताए तरीकों पर ही निर्भर होते हैं। जबकि और वहां पे क्या होता है, वहां पे ये होता है कि प्री की तैयारी करे तो प्री जैसा, मेंस की तैयारी करे तो मेंस जैसा, इंटरव्यू की तैयारी करे तो इंटरव्यू, ऐसा नहीं है। आपको बता दूं आप ना अपने एग्जाम पैटर्न का एनालिसिस करिए, और हर की अपनी डिमांड है, पीएससी में प्री की डिमांड अलग है, मेंस की डिमांड अलग है, इंटरव्यू की डिमांड अलग है, और तीनों की तैयारी अभी से ही शुरू करिए, तब जाके आप उस लक्ष्य की ओर पढ़ पाएंगे। जैसे बैंकिंग का मैंने देखा लोगों को कि रिटर्न करते रहेंगे, बुक्स पढ़ते रहेंगे, लेकिन जब इंटरव्यू की तैयारी, इंटरव्यू बारी आई तो कुछ पता नहीं, क्योंकि इंटरव्यू की तैयारी तो ऐसी है ना कि ये कोई
सतत प्रयास है, लंबा प्रयास है ये। आपका व्यक्तित्व की परीक्षा होनी है, तो व्यक्तित्व तो ऐसे 15 दिन में बनाए नहीं जाते ना, एक तो लंबा समय लगता है, तो उसके लिए आपको सतत प्रयास करने पड़ते हैं। तो जिस दिन आपने बैंकिंग की तैयारी शुरू की, मुझे मालूम इंटरव्यू देना, तो उस दिन से आपको अपने विचारों में, अपने वैचारिक रूप से मजबूत होना चाहिए, अपने बोलने के तरीकों में और अपने क्या बोलते हैं, अपने आसपास से घटित घटनाओं के बारे में अपनी राय बनाती हुई चलनी चाहिए आप। और एक चीज और भूल जाते हैं लोग, कि पीएससी की तैयारी कर रहे हैं आप या कोई भी एग्जाम, खासकर पीएससी में, तो आप बुद्धिजीवी वर्ग में आ गए हैं, है ना। क्योंकि बुद्धिजीवी वर्ग होता है जो अपनी बुद्धि से आसपास की चीजों का एनालिसिस करता है और अपना एक स्वयं का व्यू रखता है। कल आपसे अपेक्षा करेगा, जब आप डिप्टी कलेक्टर बनेंगे तो हो सकता है आप जिला पंचायत सीईओ बन जाएं, जिला पंचायत हजारों करोड़ का बजट आपके हाथ में रहता है, तो आपके पास तो व्यू होना चाहिए ना कि मुझे उस गांव के विकास के लिए इतने पैसे का मुझे कैसे इस्तेमाल करना है। पहली पोस्टिंग आपकी जनपद सीईओ होती है, आप नगर निगम कमिश्नर बनेंगे, कम से कम आपको बता दूं 5-6 हजार का बजट आपके हाथ में है कि आप भिलाई को क्या बना सकते हो। तो आपके पास तो एक व्यू होना चाहिए, एक एनालिसिस होना चाहिए कि भिलाई की आने वाली 20 साल की आवश्यकताएं हैं और मुझे क्या करना है। तो इस विजन से कोई नहीं पढ़ता, किताब पढ़ना कंप्यूटर एग्जाम की तैयारी नहीं है, बल्कि किताब के साथ आसपास जो घटित घटनाएं हो रही उसके प्रति अपने को एक राय भी रखनी है, एनालिसिस भी रखना है, समझ रहे हैं आप। तो मेरा ये कहना है कि मानसिक तैयारी का मतलब होता है अप्रोच, अप्रोच का मतलब होता है ये अप्रोच एक पढ़ाई का अप्रोच होना चाहिए। अब इतने बड़े पीएससी या बैंकिंग की तैयारी का कुछ नोट्स से होने लगे तब तो फिर बात अलग है, और लोग ना अपनी पढ़ाई का तरीका भूल गए हैं, जो परेशान रहते हैं ना पढ़ाई का तरीका भूल गए हैं। कैसे भूल गए हैं कि जैसे 12वीं आप पढ़े, तो 12वीं कैसे पढ़ा आपने, 12वीं आपने कैसे पढ़ा, 12वीं आपने पढ़ा कि पहले बुक पढ़े, बुक पढ़ने के बाद फिर आपने उसका नोट्स बनाए, बार बार पढ़े फिर नोट्स बनाए, 2-3 किताब मिला के, फिर नोट्स बनाने के बाद फिर उसको याद करते थे, फिर परीक्षा के कुछ दिन पहले 3-4 पेज का और नोट्स बनता था जिसमें डायग्राम पेजेस का रहता था, उसको देख के आप, या वन लाइनर नोट्स बनते थे फिर उसको आप पढ़ते थे। ये बताइए वन लाइनर नोट्स लास्ट में आपको देंगे तो हाँ आपका पूरा यूनिट रिवाइज हो गया आपका, और अभी आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आते हैं तो आप एकदम पहले वन लाइनर बुक उठाते हैं। अब वन लाइनर बुक उठाते हैं तो क्या गलती कर रहे हैं, उसके पीछे की स्टोरी तो मालूम नहीं है, तो आप क्या करते हैं रटते हैं, और रटते हैं तो भूलते हैं। आपको क्या करना चाहिए, उसकी बुक पढ़नी चाहिए, बुक पढ़ेंगे तब पूरा पिक्चर क्लियर होगा, फिर उसके बाद उसके शॉर्ट नोट्स बनाइए, फिर उसके बाद वन लाइनर बनाइए, आप देखना कैसे याद नहीं होगा वो। तो गलती हमारे पढ़ने के तरीकों से है ना, स्ट्रेटेजी की गलती रहती है। जैसे मैडम आपने क्या क्वेश्चन किया था, पढ़ाई की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, हाँ कौन से एग्जाम की, हाँ सीजीपीएससी की अगर स्ट्रेटेजी आप बनाना चाहते हो ना। और कितने लोग हैं सीजीपीएससी की तैयारी करने वाले, ठीक चलिए ठीक है। सीजीपीएससी की तैयारी बहुत बड़ी तैयारी नहीं है, बहुत आसान सी है ना, लोग ना थोड़ा सा उसको सोचते हैं बहुत बड़ी है, बस तैयारी करने का तरीका बढ़िया होना चाहिए, चीजें बहुत सरल है। सबसे पहले तो मैडम आप सिलेबस देखिए, सिलेबस तो जो है ना मैं आपको बता देता हूँ, एक ये बताइए बाकी लोग एग्जाम के बारे में पीएससी के बारे में जानते हैं कि नहीं, जानते हैं ना, पीएससी में 3 फेज होता है, एक प्री और इसका मेंस और इंटरव्यू, प्री केवल छठनी परीक्षा है, मेंस और इंटरव्यू से आपका मेरिट बनता है। देखिए मैडम प्री का एग्जाम जो होता है, प्रीलिम्स का एग्जाम होता है, 2 पार्ट होते हैं उसमें, 2 पार्ट में पहला जो पार्ट होता है, पहला पेपर फर्स्ट पार्ट होता है, दूसरा सेकंड पार्ट होता है। सेकंड पार्ट क्या है आपका, जो है सी सेट, सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट है, जिसमें मैथ्स रीजनिंग रहेगा और साथ में डिसीजन मेकिंग, लीडरशिप क्वालिटी, कम्युनिकेशन स्किल, वो सब देखने के लिए चीजें होती है। दूसरा जो पार्ट आपका होता है वो आपका क्या होता है, फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट पेपर होता है, फर्स्ट पेपर में 2 पार्ट में बटा हुआ है। पहला जो पेपर है वो आपका इंडियन, जो आपका हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, इंडियन ज्योग्राफी, साइंस, कल्चर और साथ में आपका स्पोर्ट्स वगैरह, करंट अफेयर्स वगैरह है। और दूसरा जो आपका पार्ट होता है वो क्या है आपका, दूसरा जो पार्ट होता है वो आपका छत्तीसगढ़ का पूरा पोर्शन। अभी नया नियम यह आया हुआ है कि सेकंड पेपर में आप क्वालिफाइंग करना है, फर्स्ट पेपर से मेरिट बनेगी, ठीक। अब ये बताइए मैडम, ये बताओ प्रीलिम एग्जाम क्यों रखा गया है, सबसे पहले तो यही जान लें कि भाई प्रीलिम एग्जाम क्यों रखा गया है, फिर हम मेंस पे आएंगे, फिर इंटरव्यू पे आएंगे। देखो प्रीलिम एग्जाम रखने का मुख्य उद्देश्य ये है कि वो देखना चाहता है कि ये जो लड़का है जो एग्जाम में आने चाह रहा है, पहली बात तो सी सेट रखा हुआ है, वो एप्टीट्यूड है कि नहीं,
वो डिसीजन मेकिंग क्वालिटी, वो लीडरशिप क्वालिटी है कि नहीं, कम्युनिकेशन स्किल है कि नहीं, और आसपास की समस्याओं को हल करने की क्षमता है कि नहीं, ये सेकंड पेपर पे देख लिया उसने। फर्स्ट पेपर में वो देखना चाहता है कि आसपास के जो विषय है और घटनाक्रम उसकी समझ है कि नहीं, कितना डीप स्टडी है, कितना डीप नॉलेज है, और साथ ही साथ अब जो बोलने जा रहा हूं उसको ध्यान से समझना, साथ ही साथ वह टेबल में बैठकर एक निश्चित समयावधि में दबाव में कोऑर्डिनेट करके काम डिसीजन मेकिंग उसकी सही है कि नहीं, इसकी परीक्षा है वो। ये बताइए कि टिक मार्क नहीं लगवा लेता आपसे वो, OMRCT क्यों देता है, वो भी रेड कलर का ही क्यों देता है, और छोटे छोटे कोल गहराई बनने करने क्यों देता है वो? देखना अधिकांश बच्चे आपसे जब मिलेंगे ना, जो व्यापम वाले से तैयारी कर रहा है, वो बोलेंगे सर दो क्वेश्चन से मैं रुक गया, इस बार में तो सिलेक्शन मेरा था। मतलब कहीं ना कहीं वो टेबल की गलती है, टेबल में गलती है। टेबल वाली गलती क्या है? टेबल वाली गलती है ये कि वो कोऑर्डिनेट करके काम नहीं कर पा रहा। मतलब वो देखना चाहता है कि दो घंटे में 100 क्वेश्चन बेहतर तालमेल बिठाते हुए, है ना, दबाव में तनाव में वह बेहतर तालमेल बिठाते हुए काम करता है कि नहीं, डिसीजन लेके काम करता है। कई बच्चों को सुनना आप, यार वो 24 की जगह ना 25 में लग गया आंसर मेरा, सी की जगह मेरा बी में लग गया आंसर, ये सब गलतियां करते हैं, बोलते हैं बस तीन क्वेश्चन से मैं रुक गया। तो ये टेबल में होने वाली गलती, तो पहला आपको ये है। और एक चीज और है, जब आप प्रीलिम एग्जाम हल करते हैं ना, तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि पढ़ना बहुत अलग चीज है, क्वेश्चन हल करना बहुत अलग चीज है, समझ लो। अब क्वेश्चन हल करते समय आपको बता दो, क्वेश्चन बनाते समय जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने के लिए जिसको दिया जाता है ना, साइकोलॉजी का पूरा इस्तेमाल होता है, समझ रहे हो, साइकोलॉजी का पूरा इस्तेमाल होता है। और कभी कभी देखना उसी साइकोलॉजी को नहीं समझ पाने के कारण लड़के गलती कर जाते हैं। कैसे करते हैं, मैं आपको इसका एक दो एग्जांपल बताता हूं तो आपको समझ में आएगा। साइकोलॉजी का इस्तेमाल कैसे होता है, विकल्प ऐसे बनाए जाते हैं आप कंफ्यूज हो जाओ। देखना जिनकी तैयारी, जो पढ़े हुए थे दो बार, जो दो तीन दो बार पढ़े हुए होते हैं ना, उनके साथ क्या होता है मालूम है, प्रश्न भी पढ़ा हुआ है, आंसर भी पढ़ा हुआ है, दो में फंसते हैं एकदम। मैं जमीन, जो जमीन स्तर पर टेबल में होता है वो बातें बता दो, तो हम फंसते हैं। वही लड़का अगर दो रीजन और कर लिया होता ना, तो एक में टिक करके आ जाएगा, ठीक। अब ये गलती कहाँ से होती है, ये गलती क्यों होती है, भी बता रहा हूँ। यहाँ पे PSC की तैयारी लोग कैसे शुरू करते हैं, विज्ञापन आया तैयारी शुरू कर, ये सबसे बड़ी गलती है। मेरा ये कहना है कि जैसे मैंने बताया ना, प्लानिंग की चर्चा की, प्लानिंग पे आ रहा हूँ थोड़ा सा, फिर इससे और आऊंगा मैं। क्या होता है लड़के, यहाँ पे लड़के क्या गलती करते हैं, विज्ञापन आया तब कोचिंग खोजते हैं और तैयारी शुरू करते हैं, सबसे गलत तरीका है। आप एक साल पहले सिलेबस देखिए, अनुभवी लोगों से मिलिए, स्ट्रेटेजी बनाइए, एक साल अपने आप को समय दीजिए, भरपूर मेहनत करिए, फिर पहला एग्जाम में बैठिए, समझ रहे हैं। यहाँ पे क्या करते हैं कि जैसे चलो कोई सिंसियर लड़का है, अगस्त से तैयारी शुरू किया, नंबर में विज्ञापन आएगा, अब अगस्त से लेकर फरवरी में एग्जाम होना है, वो दो बार पढ़ पाता है बस। अब एग्जाम हॉल में जाता है ना, तो वही दो में कंफ्यूज होता है और बाहर निकलता है, ठीक है। मेरा ये कहना था कि दो महीने और पहले स्टार्ट कर देते, गंभीर हो जाते, सिंसियर हो जाते, तो क्या होता, वो दो की जगह एक में टिक करके आते। अब वो दो महीने लेट तैयारी शुरू किया, अब अगले एक साल इंतजार करेगा अगला टिक। सिर्फ दो महीने लेट शुरू करने के कारण ये है प्लानिंग सही ना होने का कारण। मेरा ये कहना, आप दो महीने पहले सिंसियर हो जाओ ना, तो उससे दो रिविजन और मिल जाएगा आपको। दो रिविजन मिला, आप सही समय पे आप टिक करके आएंगे, और उससे ये फायदा होगा कि अगला मेंस देने का भी अवसर मिल सकता है। और मेंस देने का अवसर मिल गया, आपका कॉन्फिडेंस लेवल अलग हो गया। मेंस देना एक अलग एक्सपीरियंस है, एकदम अलग ही एक्सपीरियंस। उस दिन समझ में आता है PSC क्या है और तैयारी कैसे करनी चाहिए। जब आप 9 से 12, 2 से 5, 4 दिन लगातार एग्जाम देते हैं ना, ये हाथ जो है ना सूजन हो जाता है, जो रिटर्न प्रैक्टिस नहीं करते। स्प्रे लेके जाते हैं मैडम, स्प्रे लेके ऐसे रोज ऐसे वॉलिनी लगा के जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही मेंस हुआ, कहीं मिलिएगा आप लोगों से, समझ रहे हो। तो ये क्या है ना, स्ट्रेटेजी की गलती। स्ट्रेटेजी मतलब दो महीने पहले से, अब वो साल भर इंतजार करेगा अगला हफ्ते का। और यहाँ पे भी लोग नहीं सीखते ना कि मैं 6 महीने मेंस की तैयारी कर लूं ताकि अगला प्री निकले तो मैं मेंस के लिए मजबूत रहूं। लोग ये भी नहीं करते, लोग क्या करते हैं, साल भर फिर प्री पढ़ेंगे, और जब प्री पढ़ेंगे ना तो फिर प्री तो निकल गया, लेकिन मेंस कोई रिटन प्रैक्टिस है ना, एसी प्रैक्टिस है ना, आपका लिखने की शैली है, अब वहीं फिक्र पड़ जाती है। ये स्ट्रेटेजी है मैडम, जो बोलते हैं ना आप स्ट्रेटेजी की गलती। तो स्ट्रेटेजी पहली होनी चाहिए, PSC प्री मेंस के इंटरव्यू की तैयारी एक साथ आपको शुरू करनी है उस दिन से, क्योंकि आपको तीनों को क्रैक करना है। ये नहीं होना चाहिए कि प्री निकला तो मैं मेंस नहीं जानता, मेंस से निकला तो ये नहीं हुआ, मैं इंटरव्यू देना नहीं जानता।
आपकी थोड़ी सी तैयारी सब में होनी चाहिए, है ना, संपूर्ण तैयारी बोलते हैं। और संपूर्ण तैयारी के लिए बड़ी बुक्स पढ़िए, बुक्स पढ़ने के लिए तैयार रहिए। और उस पर भी थोड़ा चर्चा कर लेता हूँ। ऐसे बताने के लिए बहुत सारी बातें, मतलब लंबा समय लगेगा, लेकिन थोड़ी थोड़ी बातें जैसे जैसे याद आ रही आपको बता रहा हूँ। अब बोलते हैं ना कि मैंने बार बार बोल रहा हूँ ना कि जब तक एवरेज से अबव नहीं होंगे सिलेक्शन जो है नहीं हो पाता है ना। तो क्यों नहीं होता उसका तरीका बताया मेरे से। मैं तो 5 क्वेश्चन अभी पूछूंगा आपसे, अभी बता दूंगा आप सिलेक्ट हो पाए कि नहीं हो पाओ। 5 क्वेश्चन है मैडम, समझ रहे हो, 5 क्वेश्चन पूछ के आप भी बता सकते हो कि ये सिलेक्टेड हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, ये सब बातें हैं, लेकिन अभी मैं बता देता हूँ पढ़ना कैसे चाहिए। आप लोग सभी लोग सुन लीजिए, पढ़ने का स्टाइल क्या होना चाहिए, एरो से एबव बनने की तैयारी कैसे होनी चाहिए। सबसे पहले एक बेस बुक बनाइए, और बुक जो है ना हमेशा प्रामाणिक और स्तरीय होना चाहिए, समझ रहे हो, प्रामाणिक होनी चाहिए, स्तरीय बुक होनी चाहिए, कोचिंग का नोट्स नहीं होने चाहिए। आप जब बुक्स पढ़ोगे तो आपको लगेगा कोचिंग का नोट कोई खास नहीं है लगेगा, ये तो हम लोग जो नोट्स बनाए हुए उससे अच्छा बना लिए लगेगा। तो प्रामाणिक और स्तरीय किताबें पढ़िए, क्योंकि बाजारू किताब पढ़ेंगे तो क्या होगा, उसमें गलती की भुगत आप रहे हो, ठीक है। इसलिए प्रामाणिक और स्तरीय पुस्तकें पढ़िए। एक बेस बुक बनाइए और उसको फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड, 4 राउंड पढ़िए उस एक ही बुक को, बार बार पढ़िए और उसको मजबूत बनाइए, और बड़ी बुक पढ़िए। और आपको बताऊं एक चीज ध्यान रखना, हम जब पढ़ते हैं ना तो पहले समय हमारी दृष्टिकोण स्थूल होती है, बड़ी बड़ी चीजें दिखती है। जैसे राष्ट्रपति पढ़ोगे तो राष्ट्रपति में केवल वेतन दिखेगा और उसका उम्र दिखेगा, योग्यता दिखेगा, कार्यकाल दिखेगा। फिर जब दूसरा राउंड पढ़ेंगे ना तब समझ में आएगा, अरे इनकम टैक्स नहीं होता है, देता नहीं है, वो छोटी बात तब दिखेगी बात। चौथे राउंड में और दिखेगी, दृष्टि सूक्ष्म होती चली आती, ठीक, सूक्ष्म होता जाएगा ना। अभी जैसे स्थिति ना, एक पैराग्राफ से आप 2 क्वेश्चन निकालेंगे, मैं 3 क्वेश्चन निकाल सकता हूँ, मतलब 3 और 5 क्वेश्चन दिखेगा मुझे। ये दृष्टि सूक्ष्म होती जाती है। और एक बुक पढ़ते हैं ना, और बुक हमेशा अपनी होनी चाहिए, ध्यान रखें बुक हमेशा अपनी रहेगी तो उसमें आप अंडरलाइन वगैरह कर सकते हैं। क्योंकि जब व्यक्ति पढ़ने बैठता है ना तो उसका जो मानसिक स्तर अलग समय अलग अलग होता है। देखना आप खुद, मत सुबह उठ के जैसे पढ़ेंगे ना तो आपका फ्रिक्वेंसी लेवल बहुत हाई रहेगा, ऐसी ऐसी चीजें दिखेंगी ना जो हो सकता है दोपहर में पढ़े तो कभी ना दिखे आपको, तो अंडरलाइन करके पढ़ना चाहिए, तो वो पता चलता है कि ये लाइन मैंने क्यों उस समय की थी करके, ठीक। तो एक बेस बुक बनाइए, एक राउंड पढ़िए, 2 राउंड पढ़िए, 3 राउंड। अब देखो बुक पकड़ में आ गई, जिस दिन वो बुक पकड़ में आ गई, मतलब सभी सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ ना, वो बुक पकड़ में, अब आप एवरेज स्टूडेंट हुए हो, मतलब जो सब जानते हैं आप भी जानते हो, ये आपको लगभग 1 साल में कर लेना। और आपको बता दो इस फेस को करने में बहुत मेहनत चाहिए, और खासकर पहला जो राउंड होता है ना बहुत कठिन होता है, बहुत कठिन। आपको ना एकदम धैर्य रखना पड़ेगा, मानसिक रूप से मजबूत बनना पड़ेगा, और ना कभी कभी तो लगेगा छोड़ दूं क्या, ये मन में आने लगेगा, नई नई चीज रहेंगी, सब कुछ नया रहेगा, छोड़ दूं क्या, क्विट कर दूं क्या, कहां मैं जा रहा हूं, ये फीलिंग आने लगेगी। अपने को जूझना है ना, साहस दिखाना है उस समय, ठीक है। अब 4 राउंड हो गया ना, अब वो बुक पकड़ में आ गई, अब आप एवरेज से अबव बने, उसका एक नोट्स बना लेना है, एक स्ट्रक्चर बना बना के रख लेना, समझ रहे हो आप। ये हो गया, अब आपको क्या करना है, अब आपको रेफरेंस बुक पढ़नी है। अब आपको रेफरेंस बुक, जैसे मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, जैसे आप इंडियन पॉलिटी पढ़ रहे हो, भारतीय राजव्यवस्था, अब आप उठाइए एम लक्ष्मीकांत। अब वो बुक पढ़ने से, अब नई बुक पढ़ने से क्या फायदा होगा मालूम, अब नई बुक पढ़ने से ये फायदा होगा आपको कि पढ़ चुके हैं, अब दूसरा, पहला नई बुक पढ़ने का उत्साह, जिसको पढ़ पढ़ के बोर हो गए आप। नंबर 3, जब उसमें पढ़ेंगे ना तो 70% चीजें आपकी रिवाइज होंगी, तो आपका एक रिवीजन भी हो जाएगा। नंबर 3, 30% आपको नई चीज मिलेगी, और वही 30% एक अलग कॉपी में नोट करके चलना, और वही 30% दूसरों से अलग कर रहा है ना। और नंबर 4, सबसे बड़ा फायदा कि आपका व्यू मिलेगा, एक कि यार इस चीज को इस बुक में पढ़ा मैंने, इसने इस तरीके से नजरिए से देखा। और रेफरेंस बुक क्या होती है मालूम है, देखो बुक भी 2 प्रकार की होती है, आपको बता दूं, बुक जो है ना 2 प्रकार की होती है, एक होती है एग्जाम ओरिएंटेड बुक, और एक बुक क्या होती है, मौलिक किताब होती है। तो जो एग्जाम ओरिएंटेड जो बुक होती है ना, वो क्या होती है कि सिलेबस कहीं से भी वो मैटर करके जोड़ के बना रहता है, लेकिन जो रेफरेंस बुक होती है ना वो मौलिक किताब होती है ना। और वो जो मौलिक किताब होती है ना,
वो व्यक्ति की राय होती है, समझ रहे हैं, हर उस विषय पर राय रहती है। तो जब आप नई बुक पढ़ते हैं ना तो आपको क्या होता है, आपके विचारों में मौलिकता आती है, मतलब इस चीज को उसने देखा कि यार इस तरीके से उसने समझा, मैं इस तरीके से क्यों नहीं देख पाया, मतलब आपका विजन बनना शुरू होता है कि यार इस तरीके से उसने देखा, मैं क्यों नहीं सोच पाया कि ये इस तरह से हो सकता था। ठीक, तो ये चार फायदे मिलेंगे और यही दूसरों से अलग करेंगे आप। फिर उसके बाद एक और रेफरेंस बुक उठाओ, मालूम इस बुक को जब ये नई बुक उठाएंगे ना तो आपको पढ़ने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, मुश्किल से 8-10 दिन में कंप्लीट हो जाता है, 8-10 दिन में ज्यादा ही बोल रहा हूँ, क्यों, क्योंकि अधिकांश चीजें पढ़ी हुई होती ऐसी। फिर उसके बाद सुभाषकर से उठा लीजिए आप, सुभाषकर से उठाएंगे तो अलग ही आनंद का अनुभव करेंगे आप, क्यों, क्योंकि वो एकदम अलग चीज है, अलग एनालिसिस है, अलग व्यू है उसमें, अलग फैक्ट्स है उसके, और वो नए फैक्ट्स आपको फिर मिलेंगे। तो फिर आप दूसरों से अलग हो गए, अब जाके आप दूसरों से अलग हुए और आपका सिलेक्शन हुआ। और आपको मालूम ये दो रेफरेंस बुक पढ़ने से, मौलिक किताब पढ़ने से क्या होगा, किसी विषय पे आपकी राय बनेगी, और वही राय आपको ना मेंस में अलग करती है, वही राय आपको इंटरव्यू में अलग करती है, समझ रहे हैं, और तब जाके दूसरों से अलग होते हैं। एक पहला तरीका अलग होने का, दूसरा पहला तरीका। दूसरा तरीका है कि हम दूसरों को अपने आप से अलग कैसे करें, तो वो स्ट्रेटेजी में अलग होते हैं, पढ़ाई करने का तरीके में अलग होते हैं, और आपका उसमें पढ़ाई करने का तरीका कैसा अलग होता है, ग्रुप बना के पढ़ना चाहिए हमेशा। अगर ग्रुप में पढ़ाई कर रहे हैं ना तो समझ लिए एफर्टलेस पढ़ाई होती है, ग्रुप में पढ़ रहे हैं ना तो नए विचार, नई सोच, नई फैक्ट्स हमको मिलते रहते हैं, और सुनकर ज्यादा याद होता है। आपको बता दो अकेले पढ़ते पढ़ते आप थक जाते हैं, लेकिन ग्रुप में 3 घंटे पढ़ सकते हैं, और ग्रुप में व्यूज अलग अलग मिलते हैं, नजरिया मिलता है, सोच मिलता है, वो हमको दूसरों से अलग करता है। और ग्रुप में रिकॉल ज्यादा होता है, तो मतलब ना ये कह सकते हैं कि कम मेहनत में ज्यादा आउटपुट मिलता है। ठीक है, तीसरा जो मैं कहना चाहता हूँ कि कुछ पढ़ाई का तरीका अलग रखिए। जैसे अगर पीएससी के स्टूडेंट हैं तो मैंने एक विचारों वाली डायरी बनवाता हूँ। अब विचारों वाली डायरी क्या होती है, विचारों वाली डायरी ये होती है कि हमारे यहाँ ना जो पेपर आप पढ़ते हैं, एडिटोरियल पेज रोज आता है, उसको पढ़िए रोज, और उसमें जो भी एडिटोरियल है पढ़ के उस विचारों को नोट करते चलिए। जैसे अभी इलेक्शन रिफॉर्म से चुनाव होता है, तो चुनाव पे आता है कि भाई चुनाव में ये समस्याएं हैं, ये है, ऐसे सुधार होने चाहिए, उसको पॉइंट वाइज नोट कर लीजिए। कल धारा 370 पे आएगा, कभी जैसे उदारीकरण पे आएगा, जैसे अभी कृषि बिल आया था उस पर काफी निगेटिव पॉजिटिव आ रहे थे, पढ़ते जाइए, नोट करते जाइए। ये क्या तरीका है मालूम है, पढ़ाई का व्यवस्थित और वैज्ञानिक तरीका है। व्यवस्थित और वैज्ञानिक तरीका जितना बढ़िया रखेंगे ना, आउटपुट आपको जल्दी मिलेगा। लिखना कभी कभी आप महसूस करते होंगे कि यार ये एवरेज स्टूडेंट था अपने जमाने में, ये सेलेक्ट हो गया, और ये बहुत ब्रिलियंट था वो रुक गया, ये बहुत फील करते होंगे आसपास के लोगों को देखकर। वो क्यों है मालूम है, क्योंकि एवरेज जरूर है लेकिन पढ़ाई का सिस्टमेटिक और साइंटिफिक तरीका उसने अपनाया, और धैर्य अपनाया उसने, है ना, पेशेंस के साथ उसने एक दिशा में तैयारी की, इसलिए वो सक्सेस हो गया वो। और पढ़ाई करने का तरीका जैसे विचारों वाली डायरी, देखना 6 महीने बाद, 1 साल बाद इतने बड़े पे, और आपका क्या बोलते हैं चुनाव सुधार पे जो भी चलता रहेगा इस करंट पर, और आप जागरूक भी जुड़े रहोगे। कहीं ना कहीं ये निबंध की तैयारी है, कहीं ना कहीं इंटरव्यू की तैयारी है, और कहीं ना कहीं मेंस में जब आप मेंस लिखते हैं ना तो मैडम लोग जैसे कॉपी चेक करते होंगे, मैडम जो बुक का चुपचाप उतार दिया है तो आप 10 में 5 देते हैं, अगला भी वही लिखा है 10 में 5, अगला भी वही दिखा है, जब दूसरे बिंदु नए मिलेंगे दो ना तो आप 7 करते हैं उसे। ये हमारी मानवीय प्रवृत्ति है, क्योंकि आप भी वही काम करोगे, यार ये तो वही वही चीज सब एक बुक का नोट कर दिया था, 5-5 एक बार 5 चला, 10 है 5-5 एवरेज मार्किंग हो रही। जब तक नए व्यूज, नए आइडियाज नहीं देंगे आप दूसरों से कैसे अलग होंगे। तो वो जो विचारों वाली डायरी है ना, वो क्या करते हैं, एक से एक नए नए विचार। और हमने क्या किया मालूम है, प्लान वे में उस पेपर का उपयोग किया। लोग रोज पेपर पढ़ते हैं, हर के घर पेपर आता है, हर कोई एडिटोरियल पढ़ता है पीएससी के स्टूडेंट, लेकिन वो 1 महीने बाद बिक जाती है वो। और हम क्या कर रहे हैं, उसको बढ़िया विचारों वाली डायरी में नोट करते हैं। आपको बताऊं, कहीं भी जाइए, इंटरव्यू देने जाइए, मेंस लिखने, जब देखेंगे ना भारत को विश्व शक्ति कैसे बनाया जाए, बढ़िया लेख है, खेलों में पिछड़ता भारत, एक से एक पॉइंट है उसमें, तो जो बुक में नहीं मिलेंगे आप, क्योंकि ये ना विशेषज्ञों का आर्टिकल होता है, तो उसमें ऐसे ऐसे एनालिसिस होते हैं ना जो अलग ही होते हैं। तो वो जो हमारे पास एक ऐसा कलेक्शन है ना जो हमको दूसरों से बहुत अलग कर देता है। मैं पहला मेंस दे के आया, मैं
था, मैं तो सब प्रश्न बना के आया था। दीप बता गया मैं ये ऐसा लिखा हूं। तो आपको तो एवरेज रोज और एक कॉपी लेके जाया करो और दो बहुत मेहनत करनी, 290 नंबर लाना आसान नहीं। क्षेत्र पढ़नी चाहिए, आप एक मंथली मैगजीन पढ़ना चाहिए, है ना, तब जाके वो चीजें बढ़िया आपको नए व्यूज मिलेंगे, आइडियाज मिलेंगे, तब जाके लिख पाओ। तो ये आपकी पढ़ाई का एक तरीका है, विचारों वाली डायरी। जब आप मेंस इंटरव्यू देने अलग ही आपको बना के देंगे ऐसी आप ना। मैंने अभी इंटरव्यू की तैयारी, मतलब मैं अभी से इंटरव्यू की एक डायरी बनवा देता हूँ। इंटरव्यू की डायरी मतलब जो इंटरव्यू के समय जाएंगे हम लोग, क्या होता है हमारे आसपास बहुत सारी चीजें होती जो इंटरव्यू कि भैया हम जो है बोल सकता हूं, लिख सकता हूं, कॉपी बनाई थी भूलने वाली कॉपी, कॉपी का मतलब क्या था कि है। अब बस संडे संडे उस क्लियर है मेरे। ये बताइए मैडम कंप्यूटर में डायरेक्टरी और फोल्डर नेम तुरंत 2 मिनट नहीं लगेंगे, सेकंड में निकाल देगा। और वहीं कोई फाइल को ऐसे डाल दो आप और फिर उसके बाद आप कितना देर खोलेगा, वो आधा घंटा खोलेगा। तो वही गलती हम लोग भी करते हैं पढ़ाई के दौरान। प्री अगर एग्जाम आपको निकालना है तो बहुत व्यवस्थित और वैज्ञानिक पढ़ाई करनी पड़ेगी। बताइए सर कार्यकाल कितना है? आप कार्यकाल आप ढेरों पड़े रहते हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सीएजी, महान्यायवादी। अब क्या होता है, उन्होंने पूछा उसने लोकसभा अध्यक्ष, अब आपका जो दिमाग है ना वो खोजना शुरू करता है राष्ट्रपति से। एक एक पेज खोजते 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 जाता है, कंफ्यूज हो जाता है कि 5 साल तो होगा कम से कम और गड़बड़ा गया। मेरा ये कहना है सबके कार्यकाल को एक साथ नोट कर लो आप, तो उससे क्या होगा, लिंक भी बढ़िया बनता है। यार इसका इसका एक जैसा कार्यकाल है, इसका डिफरेंट है, और तुरंत वहां पे क्या वो एक फोल्डर बना लो आप, तुरंत क्लिक हो जाता है, टिक किया आ गए। तो वहां पे ना फैक्चुअल क्वेश्चन कभी गलत नहीं होंगे। अगर पढ़ाई व्यवस्थित और वैज्ञानिक है ना आपकी, आपके फैक्चुअल आउटपुट बढ़िया मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपकी चीजें सब व्यवस्थित, जैसे हिस्ट्री पढ़ रहे हो, सारे युद्ध एक साथ लिख लो, सारी संधियां एक साथ लिख लो, है कि नहीं, और सारे जैसे जो संगठन बने हुए एक साथ लिख लो, सारे जो आंदोलन हुए एक साथ लिख लो, सन के साथ। तभी जोड़ी बनाने आया था, आराम से बनाओगे, नहीं तो वो खोजते रहो। दिमाग भी ना बिल्कुल कंप्यूटर जैसे ही काम करता है, रिराइटेबल सिटी है ये। जो आवश्यकता है उसको बहुत याद से रखता है, जिसको आवश्यकता नहीं है भूल जाते हैं, समझ रहे हो। तो इसको ना आपको ना ये समझना पड़ेगा, तो साइंटिफिक और सिस्टमेटिक स्टडी ये हमको दूसरों से अलग करती है। एवरेज स्टूडेंट इसी कारण पास हो जाते हैं, एक तो तरीका ये है। तो प्रीलिम एग्जाम आपकी क्या मांगता है डिमांड? प्रीलिम एग्जाम आपकी डिमांड मांगता है कि आप जो है अब मेंस में आए। मेंस क्या है? लिखने वाला एग्जाम है। अब मेंस में ये देखा जाता है कि आप जो पढ़ रहे हैं, समझ रहे, जो आप पढ़े हुए हैं, अब उसको लिख कर आपको व्यक्त करना है। तो
तो आप में बेहतर अभिव्यक्ति कौशल है कि नहीं, तार्किक व्यवस्थित, है ना, तार्किक और व्यवस्थित लिखने की कला जो है आपका क्या है, मेंस है। और आपका बौद्धिकता वहां पे दिखती है, किसी विषय पे सोच, आपकी ज्ञान, आपकी समझ जो है वो दिखती, जो ऑब्जेक्टिव में नहीं दिखता, है ना। और ऑब्जेक्टिव में ना मैंने एक चीज और बताना भूल गया आपको, मनोवैज्ञानिक रूप से ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन, देखो कॉन्सेप्ट क्लियर होना अलग बात है, पेपर हल करना बहुत अलग बात। पेपर हल में तो जो ऑब्जेक्टिव रहते हैं ना, जो विकल्प बनाते हैं, वो आपको कंफ्यूज करने के लिए बनाए जाते हैं एक। और ना क्वेश्चन निर्माण में भी साइकोलॉजी होती है। कई बच्चे क्या होते हैं, जाते हैं पेपर देखते हैं, शुरू हो जाते हैं, सरल सरल बढ़िया बन रहा बनाते जाते हैं, बीच में एक क्वेश्चन आता है, चूंकि वो प्रेशर रिलीज हो जाता है, फिर वो ना गड़बड़ी करना शुरू करते हैं। मेरा एक मित्र था, हम लोग पेपर दे के आए जब पढ़ते थे अपने समय में, क्वेश्चन आया, बताओ भाई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ है, बोले दिल्ली, पहला ऑप्शन दिल्ली, दिल्ली टिक किया, ए में आंसर लगाया, आगे बढ़ा। घर में दूसरे दिन देखे तो चौथा ऑप्शन नहीं दिल्ली। ये देखो ये साइकोलॉजी का इस्तेमाल है कि नहीं, नहीं दिल्ली था वहां पे। एक क्वेश्चन आता था पंचायती राज में, बताइए सरपंच का कार्यकाल कितना होता है, सबको मालूम है 5 वर्ष, इससे अधिक नहीं, हम पढ़ा है, पहला क्वेश्चन 5 वर्ष, टिक लगाया, आगे बढ़ गया, 5 वर्ष इससे अधिक नहीं, ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, चौथा आंसर सही। ये साइकोलॉजी है, वो कैश करता है इसको, समझ रहे हो। तो ये सब चीजें हैं जो होती है। तो मेंस में आपको क्या चाहिए, मेंस की डिमांड है आपकी, आप कितना अपने जो ज्ञान अर्जन किया है, जो आपकी किसी विषय पर राय है, कितना व्यवस्थित ढंग से, तार्किक ढंग से अभिव्यक्ति कौशल की परीक्षा है। और इसके लिए आपको राइटिंग प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, पहला वर्ड लिमिट में और दूसरा टाइम लिमिट। वर्ड लिमिट में पढ़िए 30 में आता है क्वेश्चन 60 शब्दों में, और 125 में अधिकतम 250 शब्द। ये आपको कला आनी चाहिए, क्योंकि पढ़ने के बाद में क्या होता है, हम विषय पर बहुत जानकारी रखते हैं, कम शब्दों में लिखना एक कला है, वहां डागर में सागर भरना, इसके लिए निरंतर प्रैक्टिस की जरूरत है। और फिर अगला जो क्वेश्चन अगला है इंटरव्यू। इंटरव्यू आपको बता दूं, किसी दिन अगर आप लोग बोलेंगे तो इंटरव्यू पे मैं क्लास लेने आ जाऊंगा। इंटरव्यू क्या होता है, व्यक्तित्व की परीक्षा है, समझ रहे हैं। इंटरव्यू जो है ना पर्सनालिटी का टेस्ट है, आपके ज्ञान विज्ञान का परीक्षा नहीं है, क्योंकि वो आपका बौद्धिकता की, आपकी ज्ञान की परीक्षा ले चुका है वो प्री में और मेंस में। अब वो देखना चाहता है फेस टू फेस कि जिस व्यक्ति को मैं डिप्टी कलेक्टर बनाने जा रहा हूं, उसका व्यक्तित्व कैसा है, उसकी पर्सनालिटी कैसी है। तो इसके लिए फिर आपको फेस टू फेस उस क्वेश्चन को माध्यम बनाता है, और माध्यम बनाकर वो क्या करता है, आपके व्यक्तित्व को परखने का काम करता है, समझ रहे हो। तो प्रश्न केवल माध्यम है आपके व्यक्तित्व को जानने का, समझ रहे हो, प्रश्न केवल माध्यम है आपके व्यक्तित्व को जानने का। तो आपको इंटरव्यू एक साइकोलॉजी की लड़ाई है, एक्चुअल में साइकोलॉजी का खेल है। अगर बोलेंगे तो मैं 2 क्वेश्चन से आपको समझाता हूं, और आप बताना किसका चयन करेंगे। एक क्वेश्चन था, एक लड़की आई, बोले ये बताओ लोकतंत्र क्या है, आप लोग चयन करना फिर बताना, और इंटरव्यू कैसे आंसर देना चाहिए आपको बहुत कम समय में बता रहा हूं। क्वेश्चन आया लोकतंत्र क्या है, एक लड़के ने आया कि सर लोकतंत्र लैटिन भाषा से, ग्रीक वर्ड है, सॉरी ग्रीक वर्ड है सर, और डेमोस और क्रेटोस से मिलकर बना है। डेमोस का अर्थ होता है जनता, क्रेटोस का अर्थ होता है शासन, अर्थात जनता का शासन, अर्थात जनता का, अब्राहम लिंकन की परिभाषा है जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन, ये लोकतंत्र है। बोले ठीक ठीक है भाई। दूसरा लड़का आया, एक ही क्वेश्चन किया, बोले ठीक है जवाब हो गया। दूसरा लड़का आया, बोले यार लोकतंत्र क्या है बताइए, तो बोला सर लोकतंत्र, तो सर मैं एक जीवन शैली मानता हूं, और लोकतंत्र परिवार में भी हो सकता है, पूरे देश में भी हो सकता है। लोकतंत्र सर मैं ये मानता हूं कि नीति निर्माण की प्रक्रिया में, निर्णय लेने की प्रक्रिया में सभी वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित करना, सबके विचारों को सुनना, बहुमत के आधार पर निर्णय लेना। सर भारत जैसे देश में, भारत जैसे विशाल जनसंख्या और विशाल क्षेत्रफल वाले देश में ग्राम सभा के माध्यम से आज भी लोकतंत्र जीवित है, आप बताइए किसका चयन करेंगे। क्यों चयन किया भाई आपने, कोई पहला वाला तो एक लाइन गलत नहीं बोला है, एक शब्द गलत नहीं बोला उसने, क्यों चयन किया। हाँ आपने पता लगा लिया कि लड़का बुकिश है, लोकतंत्र को देख नहीं पा रहा भारत में, लोकतंत्र को समझा नहीं उसने। और सेकंड वाला अपने उत्तर से बताने में सफल हुआ कि लोकतंत्र को मैं समझता हूँ,
ग्राम सभा का जिक्र करके बता दिया कि देखो मैं देख पा रहा हूँ लोकतंत्र को भारत में, और विशाल जनसंख्या वाले देश में डेमोक्रेसी है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र है बोलते हैं। देखो समझ में आया व्यक्तित्व तो एक क्वेश्चन से। कई लोग बोलते हैं ना सर मेरा तो 10 मिनट इंटरव्यू हुआ, अब देखो उन लोग का 30-30 मिनट चल रहा है, मेरा खराब गया क्या? बोला ऐसा कुछ नहीं है, परखने वाला तो 2 क्वेश्चन में परख लेता। जैसे आप अभी एक क्वेश्चन और बता देता हूँ, एक क्वेश्चन आया, एक लड़की आई बोले अच्छा आपकी हॉबी क्या है? सर मेरी हॉबी हॉकी खेलना है। ये हॉकी राष्ट्रीय खेल होते हुए भी क्रिकेट जैसा लोकप्रिय नहीं है भाई हमारे यहाँ, ऐसा क्रिकेट जैसा लोकप्रिय नहीं है, क्या रहा है आपके? बोले सर हाँ सही कह रहे हैं सर, क्रिकेट में आज लोकप्रियता बहुत ज्यादा बढ़ गई है सर, वहाँ का सर BCCI बहुत मजबूत है, वहाँ के प्लेयर्स को अच्छी सुविधाएं मिलती हैं, और वहाँ पे फंड BCCI से पैसा बहुत ज्यादा है, एडवर्टाइजमेंट बहुत ज्यादा मिलता है, और हमारे यहाँ तो सर हॉकी में कोई ऐसा है नहीं सर, सरकार भी सपोर्ट नहीं करती हमको, और इसलिए आज स्थिति इतनी अच्छी नहीं है, पहले बहुत अच्छा स्थिति थी आज इतनी अच्छी स्थिति नहीं है। ठीक है भाई। फिर एक लड़की आई बोले ये बताओ आपकी अच्छा आपका हॉबी क्या है? बोले सर हॉकी खेलना। उनसे भी यही क्वेश्चन हुआ, बोले क्रिकेट जैसा लोकप्रिय नहीं हो पाया भाई, क्यों? तो उसने उत्तर दिया सर आप सही कह रहे हैं कि सर क्रिकेट जो है, ये बात तो सही कह रहे हैं सर कि हम शुरू में 8 स्वर्ण पदक ओलंपिक का दिलाए हैं सर, स्वर्णिम इतिहास रहा है हमारा, और लेकिन आज क्रिकेट ज्यादा लोकप्रिय है, मैं इस बात को स्वीकार करती हूँ, और उसका कारण भी है सर, क्रिकेट के खिलाड़ियों ने मेहनत की है, उनके टीम ने मेहनत किया, कोच ने मेहनत किया, संगठन ने मेहनत किया है, 2 बार वर्ल्ड कप दिलाए हैं, 2 T20 के वर्ल्ड कप दिलाए हैं सर, तो स्वाभाविक है इसके हकदार हैं, और सर हम भी मेहनत करेंगे, और अब मैं बताना चाहूंगी कि आज हॉकी में भी काफी अच्छा सुधार हो गया है, कि मेरे जैसी एक लड़की भी आज हॉकी अगर हॉबी बना रही है तो इस बात का प्रतीक है सर कि हॉकी अच्छा चल रहा है, और मैं आशावादी हूँ कि भविष्य में हम भी क्रिकेट जैसा लोकप्रिय रहे। आप बताइए किसका चयन करेंगे मैडम आप? क्यों भाई, उसके व्यक्तित्व में क्या चीजें दिखी आप? हाँ पहले वाले के व्यक्तित्व में ये दिखा कि आप उसकी गलतियां निकालो, कमियां दूसरे पे डालेगी, वो स्वीकारोक्ति नहीं है। दूसरे लड़की में ये बात दिखी कि वह अपनी कमियों को भी स्वीकार करती है, दूसरों को अप्रिशिएट भी करती है, और उसकी चीजों को स्वीकार भी करती है। देखो ये होता है उत्तरों से अलग होना, इंटरव्यू जो होता है ना वो छोटी छोटी बातें होती हैं जो दूसरों से अलग करती हैं। तो मैं बार बार बता रहा हूँ कि प्रश्न केवल एक माध्यम है, हमें उत्तर निर्माण में साइकोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहिए, और साइकोलॉजी से हम दूसरों से अलग, तब आपको परखता है। हाँ अब जैसे आप बताएंगे वैसा आपका पर्सनैलिटी बनती है। तो देखो ऐसे उत्तर आप 10 का 10 में दे के आइए ना, सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन वैसे आप ना 5 का दे के आइए, 5 में सॉरी बोल के आइए, कोई दिक्कत नहीं, आपका चयन होगा, क्योंकि आपके उत्तरों में जिस चीज की खोज कर रहा है, जिन गुणों की खोज कर रहा है, वो जो है आपको मिल गया है, समझ रहे हो? तो ये और इंटरव्यू में और भी चीजें होती हैं। एक अच्छा इंटरव्यू देने वाला वो होता है जो इंटरव्यू को अपने हिसाब से मैनेज करता है, मालूम आपको, अपने हिसाब से मैनेज करता है। हमेशा इंटरव्यू देते समय अपने पॉजिटिव जोन निगेटिव जोन पता होना चाहिए कि कौन सा जोन मेरा पॉजिटिव है, और उस जोन में ले जाने का प्रयास करना चाहिए। इंटरव्यू का आंसर ऐसे डिजाइन होना चाहिए कि उसमें आपके एरिया में वो जाए। जैसे पूछेंगे ना छत्तीसगढ़ की क्या समस्याएं बड़ी मानते हैं आप, तो वहां पे मैं बोलूंगा नक्सलवाद, मैं बोलूंगा पलायन, मैं बोलूंगा कुपोषण, और मैं बोलूंगा इंफ्रास्ट्रक्चर कमी। अब मैं 4 इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 4 पे मैं अच्छा पढ़ के गया हूँ। अब वो नक्सलवाद उठाया तो मेरी सफलता है इसमें। अब नक्सलवाद उठाया तो देखो मैं फिर आंसर कैसे दे रहा हूँ। 2 तरह के आंसर होते हैं नक्सलवाद में। नक्सलवाद क्या है? एक सामान्य लड़का क्या बोल के आता है, सर नक्सलवाद जो है 1967 में शुरू हुआ है, चारू मजुमदार कानू सन्याल ने के नेतृत्व में शुरू हुआ, ये पूंजीपतियों के खिलाफ भूमिहीनों का और मजदूरों का एक आंदोलन। एक सामान्य जो कॉमन लड़का रहता है यही उत्तर देगा। अब भाई मेरा ये पॉजिटिव जोन में आना है, उसको लेके आना है मुझे, मैं क्या बोलूंगा, सर नक्सलवाद को पहले मैं सामाजिक आर्थिक समस्या मानता था, आज मुझे सर आतंकवाद जैसे लगने लगा। अब बताइए क्या होगा, आपसे जरूर पूछेगा वो कि आतंकवाद नक्सलवाद में क्या अंतर है। आपने ऐसी क्यूरियोसिटी वाले आंसर दिया है ना कि वो पूछे बगैर नहीं रहेगा, वो यार आतंकवाद क्यों बोल दिए, आतंकवाद नक्सलवाद में क्या अंतर है। देखो आप जो चाहते थे वो हुआ है, अब पूछेगा और आपके अपने दिशा में एंट्री हो गई। या आप इसे सामाजिक आर्थिक समस्या क्यों नहीं मानते आप,
तो फिर उसके बाद व्यूज है आपके पास, तो आपके पॉजिटिव जोन में इंटरव्यू चल रहा है, तो ये जो है ना होना चाहिए। अब मैं तो और भी ले जाऊंगा फिर, अब जैसे मेरे को लगा कि यार नक्सलवाद के कारण, तो मैं फिर वहां बताऊंगा सर समावेशी विकास हमारे न हो पाना एक बड़ा कारण। क्वेश्चन करेगा जब समावेशी विकास क्या है, सतत विकास क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, इसके लिए सरकार क्या कर रही है, तो मेरे पास इसके लिए आंसर है, मैं तो चाह रहा हूँ कैसी हो। तो आंसर देने के तरीके होते हैं, समझ रहे हो आप, जो इंटरव्यू को दिशा देते हैं। जैसे मैं अभी इंटरव्यू का मैं जब तैयारी करने आते हैं बच्चे, जैसे पूछे दुर्ग जिले के बारे में बताओ, तो मैं पहले पूछ लेता हूँ बताओ आपका कौन से एरिया मजबूत है। जैसे मैं बोला छत्तीसगढ़ कल्चर अच्छे से है पता आपको, बोले हाँ सर कल्चर तो मेरा बहुत बढ़िया है, तो फिर इंटरव्यू की तैयारी ऐसे दुर्ग जिले के बारे में ऐसे बताना कि सर दुर्ग जिला जो है सिद्धनाथ नदी के तट पर स्थित है, दुर्ग जिला की विशिष्ट पहचान कि सर ये एजुकेशन हब के रूप में जाना जाता है क्योंकि IITs हैं और बड़े बड़े शिक्षण संस्थान हैं, साक्षरता में नंबर वन है सर, यह औद्योगिक नगरी के रूप में भिलाई जाना जाता है, और साथ में एंडिंग कैसे करना कि सर दुर्ग जिले के बारे में जो मुझे गर्व होता है कि औद्योगिक रूप से प्रथम स्थान रखते होने के बावजूद सांस्कृतिक रूप से उतना ही समृद्ध है, और हमारे संस्कृति के जो प्रमुख हस्ताक्षर श्रीमती तीजनबाई, झाड़ूराम देवांगन, रामचंद्र देशमुख, महासिंह चंद्राकर, ममता चंद्राकर, देवदास बंजारे जैसे कलाकार सर हमारे यहाँ रहे हैं, ये मेरे विशेष गौरव की बात है, क्योंकि ऐसा कहीं नहीं है कि औद्योगिक रूप से भी नगरी हो और इतनी सांस्कृतिक रूप से भी जो इतना प्रतिष्ठित हो, ये मैं विशिष्ट पहचान मानता हूँ, ये मेरे लिए गौरव की बात है। अब वो जानबूझ के पूछेगा रामचंद्र देशमुख के बारे में बताओ, तीजन भाई बताओ, पंडवानी बताओ, हो गया आपके जोन में एंट्री हो गई उसकी, और आपका 5 मिनट निकल गया जी, 20 मिनट इंटरव्यू होना है, 5 मिनट निकल गया आपके जोन में। ये कला है इंटरव्यू देना, एक कला, समझ लो ये इंटरव्यू में आपकी व्यक्तित्व की परीक्षा, ज्ञान से कोई मतलब नहीं, ज्ञान की परीक्षा लीजिए, एक्चुअल क्वेश्चन सॉरी बोल के आइए, कोई दिक्कत नहीं है, नंबर मिलेगा अगर आप सेकंड जोन वाले आंसर बढ़िया देते हैं तो, समझ रहे हो। तो ये आंसर में आपका नजरिया दिखता है, देखो 2 क्वेश्चन से आपके नजरिया दिख गया है, ऐसे मेरे पास ढेरों क्वेश्चन है कि मैं ऐसे आंसर दे दे के आपको एग्जाम्पल देके बताऊंगा कि हाँ सर ये इसका चयन होना चाहिए, इसका चयन क्यों, क्योंकि उससे आपकी पर्सनैलिटी दिख रही है, आपका व्यक्तित्व दिख रहा है। तो PSC की रणनीति बनाते समय जो है ना इन चीजों का बहुत, तो PSC की तैयारी में ना मतलब इंटरव्यू की तैयारी में मेन जो फोकस करता है वो आपका कि अब मॉक ज्यादा से ज्यादा दीजिए, जितना मॉक देंगे ना उतना कंफर्टेबल फील करेंगे, झिझक खत्म होगी, प्रैक्टिस ज्यादा करेंगे, ठीक है। तो स्ट्रेटेजी बनाते समय तीनों का ध्यान रखिए, और तीनों का उद्देश्य क्या है, प्री क्यों ले रहे हैं, मेंस क्यों ले रहे हैं, इंटरव्यू क्यों ले रहे हैं, इस पर जरूर फोकस करें, ठीक हो गया आपका। और कोई क्वेश्चन है तो बताइए फिर मैं और बताऊंगा नहीं। हाँ मैडम बता दीजिए। के सभी स्टूडेंट्स को मौका दिया जा रहा है कि अगर उनको कुछ क्वेश्चन पूछना है तो माइक अनम्यूट करके या चैट में लिख करके भेज पूछ सकते हैं, किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है तो माइक अनम्यूट। टाइम मैनेजमेंट पे बोल रही थी आप, मैं टाइम मैनेजमेंट बता दूंगा, समय प्रबंधन पे पहले बता देता हूँ, समय प्रबंधन टाइम मैनेजमेंट का ना एक ही नियम है, बस एक ही नियम है, आपको अपनी प्राथमिकता तय करनी होगी कि मेरी प्रायोरिटी आज क्या है, कि बर्थडे पार्टी अटेंड करना है, कि स्विच सेंटर जाना है ना, पहली फर्स्ट प्रायोरिटी, टाइम मैनेजमेंट का पहला फंडा है फर्स्ट प्रायोरिटी। और मैं आपको बता दूं ये कभी मत बोलिए मेरे पास समय की कमी है, क्या बोलते हैं ना टाइम नहीं है, ये वही लोग बोलते हैं जो समय प्रबंधन बेहतर नहीं जानते हैं। मनमोहन सिंह जानते होंगे, प्रधानमंत्री रहे हमारे यहाँ मैडम, मनमोहन सिंह ऐसे प्राइम मिनिस्टर रहे हैं जो 10 साल प्रधानमंत्री रहते हुए 3 किताबें लिखे हैं, आप इतना तो बिजी आप नहीं होंगे प्रधानमंत्री जैसे वो व्यक्ति, उसमें भी 3 किताब लिख डाले हो 10 साल में, इतना बिजी तो नहीं होंगे आप, मतलब कहीं ना कहीं आपको समय का प्रबंधन उचित नहीं कर पाते हैं आप, ये आप ऐसा बताते हैं अपने तरीके से। और समय प्रबंधन अगर आप बेहतर, देखो समय मूल्यवान है, जो समय की कद्र नहीं किया, समय बहुत गंदे तरीके से सिखाता है अपना कद्र करना उसको, मैं आपको बता दूं समय बहुत बड़ा शिक्षक है, समझ रहे हैं, समय ही सिखा देता है। देखो ना PSC में 3 साल रहो आपको समझ में आ जाएगा, आपको जब दबाव तनाव प्रतिरोध आलोचनाएं जब आती ना तब समझ में आता है कि मैंने समय क्यों गवा दिया 1 साल। क्योंकि लड़के क्या करते हैं मालूम आपको, ऐसी तैयारी शुरू करते हैं, कोचिंग वोचिंग शुरू करते हैं, घर से पैसे लेते हैं, सिंसियर नहीं होते, दोस्त जा रहे अपने भी जा रहे हैं, लेकिन फिर क्या होता है जब 1-1.5 साल बाद बिना तैयारी के एग्जाम देने जाते हैं,
तब समझ, जब असफलताएं मिलती है ना तो 2 साल गंवा चुके होते हैं, और वो 2 साल ऐसे होते हैं सबसे प्रीमियम टाइम होता है आपका, क्योंकि वो 2 साल अगर आप असफल हो गए तो असफलता का बोझ आप स्वयं, क्योंकि गलती आपने की है ना, क्योंकि आपने पढ़ाई नहीं की, सिर्फ परीक्षा देने गए आप, तो असफलताओं के साथ पढ़ना पड़ता है, अपने आपको साबित करने के लिए पढ़ता है, तभी स्वाभिमान के लिए पढ़ना पड़ता है ना, तब अखरता कि 2 साल मैंने क्यों गंवा। असफलता बहुत बड़ा शिक्षक है आपको बता, और ये समय बहुत बड़ा शिक्षक, हम खुद समय के महत्व को अब जाने भैया कि हाँ उस समय नहीं पढ़े थे तो आज कितना मेहनत करना पड़ा उसको कंपेयर करने के लिए, उसको रहने के लिए, क्योंकि ना 2 साल बाद ना आप खुद प्रतिरोधों में पढ़ना पड़ता है, माँ पिताजी भी प्रेशर बनाते हैं, समाज प्रेशर बनाता है, नौकरियों की चिंता होने लग जाती है, बहुत दिक्कतें हुए हैं, तो आपको फिर पढ़ना उस परिस्थिति में पड़ता है। देखो आप लोग को ना दो भगवान ने समय सबको दिया है, आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो अभी मेहनत कर लो बाद में पढ़ाई करो, सॉरी अभी मेहनत कर लो बाद में आराम करो, या फिर अभी आराम करो बाद में मेहनत करो, आराम दोनों समय है, मेहनत दोनों समय है, चॉइस आपके पास। अगर अभी आप जो है मेहनत करते हैं तो आपके पास एनर्जी है, आप पढ़ाई से जुड़े हैं, आपके पास पॉजिटिव एनवायरनमेंट है, घर वालों का सपोर्ट है, सब कुछ है आपके पास, तो बाद में आराम आराम से मिलेगा, लेकिन अभी आराम करोगे तो बाद में मेहनत तो करना ही पड़ेगा, लेकिन उस समय उम्र नहीं रहेगी, उस समय घर का साथ नहीं रहेगा, जिम्मेदारियां बहुत बढ़ चुकी रहेंगी, बहुत तकलीफ होगी, और विरोधों के बीच पड़ना पड़ेगा, आपको चयन करना है इसमें। चलिए हाँ लोकेश्वरी, लोकेश्वरी के लिए कौन सा बुक अच्छा रहेगा? ठीक, तो छत्तीसगढ़ के लिए अगर आप देखेंगे ना तो दो तीन किताबें हैं। सबसे पहले तो आप हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताब जो है समग्र छत्तीसगढ़ ले सकते हैं, और दूसरा जो है आप उपकार प्रकाशन की किताब ले सकते हैं, ठीक है, और इकोनॉमी सर्वे रिपोर्ट आपको पढ़ना चाहिए जो हर साल आता है नए नए आंकड़ों के लिए, इकोनॉमी सर्वे रिपोर्ट, तो उसमें लिख कर डालना पड़ेगा मैडम, हो जाएगा ठीक। हाँ ईश्वरी, आप अपना माइक अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। सर पटवारी का फॉर्म आने वाला है, उनके बारे में कुछ जानकारी दीजिए। ये ठीक है, पटवारी का जो एग्जाम है जो है मैं आपको बता दूं, अब तो व्यापम लेने लगा है, पहले जिला स्तर पर हो जाता था, पटवारी के एग्जाम के लिए आप अगर मुझे सिलेबस दिखा देंगे तो मैं ज्यादा बेटर बता पाऊंगा, लेकिन अगर ऐसा देखा जाए तो रीजनिंग मैथ्स थोड़ा रहेगा, थोड़ा सा मैथमेटिकल पोर्शन रहता है, और छत्तीसगढ़ के लिए जो है आप ये बुक जो मैंने बताई वो पढ़ सकते हैं। सबसे बड़ी बात, डिस्ट्रिक्ट की जानकारी अच्छी होनी चाहिए आप, और कंप्यूटर की भी जानकारी होनी चाहिए, कंप्यूटर के भी क्वेश्चन उसमें आते हैं। और क्वेश्चन कौन से हैं सर? पीएससी के लिए कौन सी बुक प्रेफर करें? कौन से पीएससी के लिए? आप अरिहंत पब्लिकेशन की एक बुक आती है सामान्य अध्ययन 2021 नाम से, मनोहर पांडे की है, ऊपर में जीएसपी लिखा रहेगा है ना, और वो करीब 1300-1400 की बुक है करीब, वो बुक आप ले लेंगे तो कंप्लीट जीएस उसमें है, और साथ में एक सी सेट की भी बुक आती है उसी की, उसको भी ले सकते हैं आप, अल्टीमेट बुक है, या फिर टाटा मैकग्रा-हिल की एक बुक आती है, वो भी 1300-1400 रुपए की रहती है, और वो मिल जाएगी आपको। गौरव बीसीए सेकंड, आपसे आप जो क्वेश्चन पूछना चाहते हैं अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। आप लोग भी पूछ लीजिए। सर व्यापम की तैयारी कैसे करें? व्यापम की तैयारी तो मैं आपको बता देता हूँ कि व्यापम के जो भी एग्जाम होते हैं ना, कि सबसे पहली बात तो जैसे कि एग्जाम्पल बता रहा हूँ, जनवरी में विज्ञापन आता है, फरवरी में जो है उसका लास्ट डेट होता है, और मार्च में उसका एग्जाम हो जाता है, अप्रैल में रिजल्ट, मई में उसकी पोस्टिंग हो जाती है, मतलब 2-3 महीने का ही समय मिलता है आपको, तो व्यापम की अगर तैयारी करनी है तो आपको लंबे समय से थोड़ी सी स्ट्रेटेजी बना के 1 साल की तैयारी आपको करनी होगी, और इसके लिए अच्छी बुक्स पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि एक मानसिकता ये बना लीजिए आप कि एग्जाम चाहे पटवारी का हो, चाहे व्यापम का हो, चाहे पीएससी का हो, ठीक है, आपको मुकाबला पीएससी वालों से ही है, तो पीएससी वालों का स्टैंडर्ड आपको मेंटेन करना पड़ेगा, और पीएससी वालों का अप्रोच वो आपकी व्यवस्थित और प्राय होनी चाहिए, वो डीप स्टडी होनी चाहिए, चाहे अभी जैसे असिस्टेंट ग्रेड थ्री अभी सिलेक्शन हुआ व्यापम के थ्रू कार्यालय मंत्रालय में, तो वहां भी पीएससी वाले ही गए। अभी आपको बता दूं सब इंस्पेक्टर का एग्जाम आने वाला है अभी, और सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में भी पीएससी वालों से ही मुकाबला है, तो मुकाबला आपका पीएससी वालों से ही है व्यापम के एग्जाम में, तो आपको उस स्तर पर तैयारी करनी होगी।
रिक्वेस्ट सुनना, आपको कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। व्यापम में एसएससी के लिए जो है आप अरिहंत पब्लिकेशन की बुक ले सकते हैं और साथ में टाटा मैकग्रा हिल की भी बुक ले सकते हैं, और अलग अलग आती है प्रकाशन की, जैसे आर एस अग्रवाल आप रीजनिंग मैथ्स के लिए ले सकते हैं, एसएससी का रीजनिंग के लिए एक बुक आती है उसका नाम मैं बता रहा हूँ आपको, अरिहंत पब्लिकेशन में एक अच्छी मास्टर रीजनिंग की एक बुक आती है। इंग्लिश के लिए आप वीके सिन्हा ले लीजिए, इस इंग्लिश के लिए वीके सिन्हा है जो आती परफेक्ट इंग्लिश करके। जीएस के लिए तो आप परिहन की बुक पढ़िए क्योंकि एसएससी का जो जनरल स्टडी काफी स्टैंडर्ड का होता है, और मैथ्स के लिए आरएस अग्रवाल ले सकते हैं, और रीजनिंग के लिए मास्टर रीजनिंग अरिहन पब्लिकेशन की ले सकते हैं, और हिंदी के लिए आप ना हिंदी के लिए एक बुक आती है आपका मानक हिंदी अरिहन पब्लिकेशन की, बहुत अच्छी है। पूनम आपका कोई क्वेश्चन है तो माइक अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। पूनम कौन से पोस्ट होते हैं व्यापम में? देखिए आपको मैं थोड़ा सा पिक्चर क्लियर कर देता हूं आपको कि हमारे यहाँ ना दो प्रकार के पद होते हैं, सेकंड क्लास जो गजेटेड पद होते हैं और द्वितीय श्रेणी के गजेटेड पद राजपत्रित अधिकारी के जो पद होते हैं, और साथ में तृतीय श्रेणी के जो कार्यपालिक पद होते हैं एग्जीक्यूटिव पद होते हैं उसका एग्जाम पीएससी के थ्रू होता है, और तृतीय श्रेणी के नॉन एग्जीक्यूटिव जो होते हैं ना उनके लिए व्यापम के थ्रू एग्जाम होता है। व्यापम के थ्रू आपका ग्रामीण विकास विस्तार अधिकारी का होता है, व्यापम के थ्रू फूड इंस्पेक्टर का होता है, व्यापम के थ्रू आपका पटवारी का होता है, और व्यापम के थ्रू अलग अलग ऐसे बहुत सारे, अभी तो लेक्चरर के भी एग्जाम व्यापम के थ्रू ही हो रहे हैं। तो नॉन गजेटेड जो पद होते हैं तृतीय श्रेणी के उसका व्यापम लेता है आपको उदाहरण, उसका भी लिया अभी जो क्या बोलते हैं मंत्रालय में जो क्लर्क कलर जो हुआ ना एलडीसी के लिए वो भी व्यापम ही लिया है। अभी सब इंस्पेक्टर का विज्ञापन आ रहा है, अभी तय नहीं हुआ है कि पुलिस विभाग लेगा कि व्यापम लेगा, लेकिन उसकी तैयारी आप शुरू कर दीजिए। और जो इंजीनियरिंग किए हुए हैं उनकी वैकेंसी आई है कल असिस्टेंट डायरेक्टर की, है ना, उसकी भी तैयारी आप शुरू करें। क्वेश्चन क्या है, आईपीएस की तैयारी कैसे करें? हाँ आईपीएस आपको बता दूं, अगर आप यूपीएससी की एग्जाम की तैयारी करते हैं, अगर तो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें तीन अखिल भारतीय सेवाएं होती हैं, ऑल इंडिया सर्विसेज बोलते हैं, आईएएस आईपीएस आईएफएस, और साथ में सेंट्रल सर्विसेज ए, इसके बारे में पूरी तैयारी होती है। तो आईपीएस की अलग से कोई तैयारी नहीं होती, यूपीएससी की अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप आईपीएस में सेलेक्ट हो जाएंगे आप। सर एक क्वेश्चन है कि मल्टीमीडिया स्टूडेंट का भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है, क्या बात है? हाँ तो ये बताइए कि कौन से एग्जाम की बात कर रहे हैं आप, पीएससी के लिए? अगर यूपीएससी, ऐसा नहीं है, माध्यम का कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको बता दूं मैं, माध्यम का कोई फर्क नहीं है, माध्यम केवल अभिव्यक्ति का एक माध्यम है। अगर आपकी प्रभावशाली अभिव्यक्ति है वहां पे तार्किक और व्यवस्थित, अगर आप अभिव्यक्त करने की कला आप में है तो बिल्कुल आपका सिलेक्शन होगा। एनालिसिस आपका बढ़िया दिखना चाहिए, आपका लॉजिकल थिंकिंग होनी चाहिए, एप्रोप्रिएट प्रेजेंटेशन होना चाहिए, सिलेक्शन आराम से होता है। भाषा केवल अपने माध्यम है अपने विचारों को भावनाओं को वहां पर रखने का, नंबर से कोई रिलेशन नहीं है ऐसा, बल्कि ये बोल सकते हैं कि चूंकि इंग्लिश में प्रेजेंटेशन अच्छा हो रहा है हो सकता है नंबर मिल रहा हो, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके मन में अगर धारणा है तो ये गलत है। हाँ और सीडीएस के लिए देखिए, सीडीएस का कॉमन डिफेंस सर्विस इसको बोलते हैं, इसके लिए उपकार पब्लिकेशन में है और अरिहन पब्लिकेशन में भी इसकी अच्छी बुक्स मिल जाएंगी। अगर इसका सिलेबस मेरे ख्याल से रीजनिंग मैथ्स इंग्लिश और एसे आता है मेरे ख्याल से, तो ये सेपरेट आपको अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी। एसएससी के बुक से भी हो सकती है रीजनिंग मैथ्स और इंग्लिश की तैयारी आपकी। एक चीज ध्यान रखिएगा, एसएससी और बैंक ये ऐसे एग्जाम है जिसमें स्पीड का कॉन्सेप्ट, स्पीड चाहिए, यहाँ पर आपको प्रैक्टिस ज्यादा करना पड़ेगा, स्पीड और ट्रिक्स वाले एग्जाम है ये, ठीक है? चलिए और आप लोगों को भी अगर क्वेश्चन पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। हाँ हाँ सबसे पहले तो जैसे आपने बताया कि
रुझानों में सबसे पहली बात तो ना, अगर आप डीमोटिवेट होते हैं तो डीमोटिवेट होने के 3-4 कारण होते हैं। सबसे पहला कारण तो यह है कि आपका कोई लक्ष्य नहीं है और आप फोकस नहीं है, आप बहुत ज्यादा डाइवर्ट होते हैं। मतलब अगर आप फोकस होंगे ना तो आप डाइवर्ट नहीं होंगे। तो आप अगर इससे बचना चाहते हैं तो 2-3 काम कर लीजिए। पहला टारगेट सेट करिए, टारगेट के लिए डेली रूटीन बनाइए, डेली की प्लानिंग बनाइए, रूटीन नहीं प्लानिंग बनाइए और उसको रोज अचीव करिए, तो आपकी पढ़ाई फोकस्ड हो जाएंगे। और डेली का टारगेट बनाइए, डेली अचीव करिए उसको। तो इससे ये फायदा होगा कि आप जो है ना आप जैसे आपको बता दूं, अगर आप पढ़ने जाएंगे ना पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ेंगे तो इसमें फेडरिक विंसलो टेलर करके है, टेलर से मैंने एक ही चीज सीखा, दैनिक कार्य योजना बना। वो ना लंबी लंबी प्लानिंग पे कभी भरोसा नहीं किया। वो बोलता है कि रात को तय करो, सुबह दूसरे दिन शाम तक अचीव होना चाहिए। तो आप डेली रूटीन बनाइए, डेली का प्लानिंग तय करिए, रोज अचीव करिए। इससे ये फायदा होता है कि आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, आप फोकस हो जाते हैं, डाइवर्ट नहीं होते हैं, और आपका चूंकि रोज अचीव करने लग जाते हैं ना तो आपका उत्साह भी बढ़ता है ना। और सबसे बड़ी बात, निगेटिव लोगों के बीच मत रहिए, अपना उत्साह स्वयं बढ़ाना है, आत्मविश्वास स्वयं बढ़ाए, इच्छा शक्ति मजबूत रखिए। और अच्छे लोगों के साथ ग्रुप में रहिए, ग्रुप के पढ़ाई करिए आप। देखो ग्रुप में अगर पढ़ाई करते हैं ना, और ग्रुप में अगर स्वस्थ प्रतिस्पर्धा है और हम की भावना है अगर ग्रुप में, तो मैं आपको बता दूं कि आपका सिलेक्शन श्योर है। क्योंकि वहां पर गाड़ी पटरी से कभी नहीं उतरती है, क्योंकि आप रोज कंटिन्यूटी आपकी मेंटेन होती है। अगर आप कंटिन्यूटी मेंटेन नहीं करते हैं, ये भी डिमोटिवेशन का बड़ा कारण है आपका। आप सतत प्रयास, निरंतर प्रयास, थोड़ा भरोसा रखिए, असफलताएं होंगी ही। आप एकदम से परिणामों की अपेक्षा मत करिए। आप एक दो असफलताएं, 3 असफलताएं मिलेंगी ही आपको, बगैर असफलता के सक्सेस है ही नहीं, है ना। ये आपको बता दूं, त्याग करना पड़ेगा, जूझना पड़ेगा, तभी जाके सफलताएं मिलेंगी। तो थोड़ा सा ना मजबूत बनिए भावना, और मुझे लगता है कि आप थोड़ा भावना प्रधान व्यक्ति भी हैं, तो सब तार्किक बनिए, अपने लक्ष्य पे केंद्रित करिए आप, ठीक है। चलिए और कोई प्रश्न आप लोग भी पूछ लीजिए। हाँ जी, सन इसलिए याद नहीं होता आपको क्योंकि सन से जुड़ी कहानियां नहीं मालूम आप, है ना। जैसे 1857 तो आपको याद है ना, क्योंकि उसकी कहानी आपको मालूम है। 1920 का संविधान याद है, संविधान विज्ञान आंदोलन याद है। क्यों याद है? क्योंकि उससे जुड़ी कहानियां याद है ना। तो कहानियां बिल्कुल, और कभी भी लिंक करके पढ़िए आप। जैसे मैंने बताया ना कि एक जगह व्यवस्थित करिए और लिंक करके पढ़िए, लिंक करके पढ़ेंगे चीजें अच्छी हो जाएंगी आप, ठीक है। और पढ़ने में किसी को कुछ भी समस्या आ रही होगी, बेझिझक बताइए। 22 साल मेरे को पढ़ाया हूँ और एक से एक लोग, मेरा किस्मत अच्छा रहा है कि अच्छे लोग मुझे मिले, भगवान की कृपा से मैं बहुत कुछ सीखा उन लोगों से। क्या चीज? मैथ्स रीजनिंग के लिए ये मैन जो है ना, ये प्रैक्टिस मांगता है ना। सबसे पहली बात तो प्रैक्टिस से तैयार रहिए। अगर आप बायो के स्टूडेंट है ना, बायो के स्टूडेंट हो क्या आप? मैथ्स के स्टूडेंट है, अच्छे, हाँ। तो सबसे पहले ना, अगर कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हैं तो मन से ना कुछ बातों को निकाल दीजिए। जैसे जनरली पीएससी की तैयारी में आते हैं तो क्या बोलते हैं कि भाई सबका सब कुछ कमजोर है यहाँ। कैसे? जैसे मैथ्स वाला हूँ तो मेरे को भी तो हिस्ट्री पढ़ना है, बायोलॉजी पढ़ना, जिससे मैं भाग के तो मैथ्स लिया था, बायोलॉजी फिर मेरे आ गया सामने में, केमिस्ट्री आ गया, भूगोल आ गया, इकोनॉमिक्स आ गया जिससे मैं भागा था, आर्ट्स वाले मैथ्स से भागे, मैथ्स से मुकाबला हुआ, बायोलॉजी वाले मैथ्स से भागते थे, मैथ्स मिल गया, उनको भी हिस्ट्री पढ़ना है। तो भाई सबका वीक जोन है, लेकिन जो सिलेक्शन चाहता है वो कैसे उसका अप्रोच होता है मालूम है? सर मुझे सिलेक्शन चाहिए, मैं सब कुछ पढ़ने को तैयार हूँ, ये है, मुझे ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, करूंगा, लेकिन मुझे डीसी बनना है, ये अप्रोच वाले होते हैं, समझ गया आप? तो और ऐसे लोग ही सिलेक्ट होते हैं। मैं खुद बीएससी मैथ्स का स्टूडेंट हूँ आपको बता दूं, लेकिन जब मैं और आर्ट्स पढ़ाता हूँ मैं बढ़िया तरीके से, और काफी दिनों से पढ़ा रहा हूँ, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशियोलॉजी, फिलोसफी पढ़ाता हूँ मैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। प्रैक्टिस के लिए तैयार रहिए। मैथ्स के लिए आप आरएस अग्रवाल की बुक ले लीजिए, और साथ में ना आप मास्टर रीजनिंग की बुक लीजिए, उसकी अरिहंत पब्लिकेशन अल्टीमेट बुक ऑनलाइन मंगा लीजिए, उसमें ज्यादा डिस्काउंट में मिल जाएगा, चलिए आप, ठीक। देखिए आपका सब्जेक्ट क्या है मैडम? तो
आपको ना पहले और संपर्क कर लेना, इसका जो स्पेशलिस्ट है ना वो ज्यादा बताएंगे। जो पीएमटी की देखो, अगर आप लेक्चरर एग्जाम की तैयारी किए होंगे तो मैं लिख के दे रहा हूँ पीएमटी लेवल के क्वेश्चन थे उसमें, है ना। तो आपको जब उस समय मिलते हैं तो बताते हैं मैडम बारहवीं की जो पीएमटी की जो लेवल किताबें हैं और स्कोरस हैं उसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि वहीं से क्वेश्चन आए। तो एनसीईआरटी में बेसिक जानकारी थी, लेकिन पीएमटी में और डीप स्टडी होती है। जो नीट की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उस लेवल का क्वेश्चन था और उस लेवल का आंसर उसमें था क्वेश्चन। तो हम उस समय आते ना तो आपको बोलते कि जो पीएमटी की तैयारी करा रहा है मैं उनसे आपको बात करवाता, है ना। तो उससे क्या होता कि उस लेवल के बुक्स आपको पता चलते, उस लेवल के क्वेश्चंस मिलते हैं और उस लेवल की चीजें मिलती है आपको। वो प्रैक्टिस की जरूरत है, मैं आपको बता दूंगा। एनसीईआरटी के अलावा जो पीएमटी की बुक्स है ना मैडम, नीट की, वो बुक पढ़नी थी आपको, अभी भी पढ़ सकते हैं। मैं आपको ना, मैं एक स्टूडेंट सेलेक्ट हुआ है, उसका नंबर दे दूंगा, वो बायो वाला है, वो बता देगा, है ना। चलिए और कोई प्रश्न, और ये बताइए। मेरा YouTube चैनल है, लेकिन ज्यादा वीडियो में डाल नहीं पाया हूँ, है ना, इतना समय नहीं मिल पा रहा है कि ऐसे ना। मेरा नाम सही है, दिलदास तांबेकर के नाम से सर्च कर सकते हैं आप। चलिए और, हाँ सर, बीएड की तैयारी के बारे में कुछ बताइए। ठीक है, बहुत बढ़िया प्रश्न है, बैठिए। मैं आपको बता रहा हूँ, ओएमआर एग्जाम हल करने का भी अपना एक तरीका है। ओएमआर सीट बेस एग्जाम होता है ना, उसका अपना हल करने का एक तरीका है। वो तरीका मैं बेस्ट बता दे रहा हूँ, आप लोग उसी तरीके को फॉलो करिएगा, क्योंकि वो तरीके के कारण भी सफल होते हैं लोग। जो बोलते हैं ना 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन, यही लोग होते हैं। कैसे होते हैं? सबसे पहले समय पे पहुंचिए, आप अपने सेंटर समय पे पहुंचिए, समय पे टेबल पे बैठ जाइए, ओएमआर पे समय से भर लीजिए। नहीं तो कई बच्चे ऐसे मिलेंगे, सर वो ना ओएमआर में ना सर 5 की जगह 6 लिखा गया रोल नंबर में, गोला जो है बाद में 5 की जगह 6 हो गए, हड़बड़ हड़बड़ पहुंचे हैं वो ये गलतियां करते हैं और फिर परेशान रहेंगे, मूड खराब हो गया, पेपर बिगड़ गया। ठीक, दूसरा समय पे पहुंचिए। दूसरा क्या है, ओएमआर बेस्ड कभी भी एग्जाम हल करते हैं ना, 3 राउंड में हल करना चाहिए। फर्स्ट राउंड आराम से पढ़िए, एक एक क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है, सरल प्रश्नों को तो और पढ़ना है। ये मुझे मेरे गुरु ने बताया मुझे कि बलराज जितना प्रश्न सरल होगा उतना और अच्छे से पढ़ना, और उतने विकल्पों को और क्योंकि वहीं पे वो साइकोलॉजी का इस्तेमाल करते, जो बताया था ना 2 क्वेश्चन, ऐसे ही होता है, समझ रहे हैं। तो उसमें ना पूरे क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना, क्योंकि हम क्या सोचते हैं, देखो मैं आपको टेबल में कितने लोग एग्जाम दिए हैं व्यापम वगैरह का, आप देखो आपके टेबल में क्या गलतियां होती, मैं बता रहा हूँ। क्वेश्चन आया, एक क्वेश्चन आया, 4 क्वेश्चन आप बढ़िया बढ़िया बना लिए हो, सही सही, अब आप कैसे हो जाते हो, प्रेशर रिलीज हो जाता है। आंख जो है ना सिर्फ देखने के लिए जाती है, मन पहले से ही क्वेश्चन को पढ़ चुका है, और तुरंत ऑप्शन पहला दिखा, टिक किया, आगे बढ़ गया। ये होता है कि नहीं होता बताओ? फिर 3 ऑप्शन नहीं पढ़ते, कभी कभी नहीं लिखा रहता वो भी नहीं दिखता, ये गलतियां करते हैं हम। तो क्वेश्चन को पूरा पढ़िए, 4 ऑप्शन को अच्छे से पढ़िए, ये दूसरा नियम। और तीसरा नियम, 1 राउंड में जो बन रहा है, जैसे होता है ना फर्स्ट राउंड बनाइए, जो बन रहा है टिक करते हुए चलिए। और चौथा नियम ये है, फर्स्ट राउंड पढ़ लें, फर्स्ट राउंड बना लिए, टिक कर लिए, सेकंड राउंड में उन प्रश्नों को छोड़ दिए जो थोड़ा सा एनालिसिस वाला है, थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा है, छोड़ दिए। फिर थर्ड राउंड में सेकंड राउंड उनको बनाए, फिर थर्ड राउंड में जो एकदम ही नहीं बन रहा उस पर गए। ये तरीका 3 राउंड का, इससे क्या फायदा होता है मैं बता रहा हूँ। और एक चौथा नियम, तुरंत बनाइए, तुरंत गोला करें। आपको मैं इसमें 2 एग्जाम्पल बता रहा हूँ। कई बच्चे आते हैं, सर मेरे को ना डी सेट मिल गया था, अब डी सेट में सर कैलकुलेशन वाला पहले में था, सरल सरल बाद में था, मैं उसी में उलझ गया, और लास्ट में मैडम आई, अब आधा घंटा बचा है, 50 क्वेश्चन बचे थे, और गोला करना भी मेरा पूरा बचा, मैं बहुत जैसे तैसे मैं पढ़ के किया और गोला किया, सर गड़बड़ आ गया। तो गलती आपकी थी, 3 राउंड वाले में क्या होता है, फर्स्ट राउंड में पूरा पेपर आपने एक नजर देख लिया, और जो एकदम पक्का काम है आपका, जो एकदम शॉर्ट शॉट सही है, आपने तुरंत गोला लगा लिया, समझ रहे हैं। सेकंड राउंड में उसमें गए, मतलब आपका जो पक्का काम था वो हो गया है। फिर सेकंड राउंड में एनालिसिस वाले में आए, थर्ड राउंड में आप समय खत्म है, जो बन रहा है तो ठीक, नहीं बन रहा तो ठीक। ठीक, ये है एक। और दूसरा, तुरंत गोला करिए,
कई लोग क्या करते हैं, टिक पेपर में लगाते हैं, लास्ट में आधा घंटा रखे रहते हैं, फिर वो 25 मिनट होता है, फिर वो 20 मिनट होता है, फिर वो फटाफट गोला किया, क्या होता है मालूम, जहां 25 का 26 में सी लगा, पूरा 10 क्वेश्चन या तो गलत होता है, या फिर बी का सी, सी का डी, या 25 का 26, 26 का 25 होता है। ये गलती कभी मत करिए, सही क्वेश्चन गलत होता है हमारा। आप क्या करिए, तुरंत मन में बोलते हुए करिए, पहले का बी, दूसरा छोड़ दीजिए, तीसरा छोड़, चौथे का सी, तुरंत लगाते चलिए। इससे क्या होता है, फर्स्ट राउंड में पूरा पक्का काम ओके। ये सबसे बेस्ट तरीका है ओएमआरसेट एग्जाम बनाने का। और तीन राउंड में बनाइए, तीन राउंड में ये फायदा होता है, एक राउंड में सारे क्वेश्चन हमारे नजर से चले गए। कई लोग जल्दीबाजी में रहते हैं बहुत, कि क्वेश्चन कितने आए थोड़ा देख लूं, कैसे आए देख लूं, ऐसा नहीं। लेकिन क्वेश्चन आराम से बनाइए, और पूरा क्वेश्चन अच्छे से पढ़िए, ऑब्जेक्टिव तो पूरा पढ़िए आप, ये हमेशा नियम ध्यान रखो, आपके टेबल में गलतियां रुक जाएंगी। अब मैडम आपका जो प्रश्न था वो ये था कि कितने सही करके आऊं, है ना? हाँ हाँ हाँ, इसका सबसे बढ़िया जवाब है, पहले से प्री डिटरमाइंड होके मत जाइए। प्री डिटरमाइंड होके जाते हैं ना कि सर कितना क्वेश्चन हल करना है, ये बताइए पिछले बार 60 था वो सिलेक्शन जो, भाई क्यों था? पेपर सरल आए थे, पेपर सरल आ गए थे, बढ़ गया। भाई पेपर कैसे आ रहा आप थोड़ी जानते, वो तो पेपर जिस समय आप बैठते हैं उस समय तय होता है ना कि पेपर टफ है, कठिन है, सरल है, है ना? एक तो ये, और दूसरी बात लोगों ने क्या गलतियां की, पीएससी बता रहा हूँ, अभी तक 50% माइनस मार्किंग जा रहा था, 52-53 में हो गया। लेकिन अब क्या हुआ, पहले 5 ऑप्शन आते थे, ऑप्शन हो गया, अब 5वां ऑप्शन हमेशा इनमें से कोई नहीं होता, वो बहुत टेंशन वाला था। एक भी अगर आपका चारों ऑप्शन में से एक भी अगर आपसे नहीं बन रहा है तो आप बहुत परेशानी में थे कि इनमें से कोई नहीं लगाऊं या सी लगाऊं। एक और माइनस मार्किंग पहले 50% थी, वो 1/3 हो गया, तो लोग थोड़ा रिस्क लेने लग गए, और चौथा ऑप्शन खत्म, इसलिए एकदम से 60%। तो ऐसा प्री डिटरमाइंड होके मत जाइए, बस इतना होके जाइए कि मैं जो है जितना बनेगा वो परफेक्ट बनाऊंगी, और नंबर दो जिसमें 2 में से लग रहा है मुझे, वैसे कुछ प्रश्न जिसमें एकदम श्योर हूँ, कुछ प्रश्नों का रिस्क लूंगी कर, ये जाइए आप, क्योंकि रिस्क अभी ले सकते हैं, क्योंकि 3 गलत होने पर आपका 1 सही गलत होगा, थोड़ा रिस्क ले सकते हैं, ठीक। तो ये स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्योंकि आप डिसाइड नहीं कर सकते। जैसे मेरे को फोन करके पूछते हैं बच्चे, सर कितने के आसपास करके आना है, तो मैं ये बोलता हूँ कि भैया वो डिसाइड आप, हम लोग नहीं कर सकते, क्योंकि पेपर अगर सरल आ गया और मैं बोल दूं आपको 60%, तो आप 60% जाकर रुक गए वहां पे, और सिलेक्शन 65 में हो रहा है, फिर आगे बोलेंगे सर मेरे से तो 5 प्रश्न बन रहा था, ठीक। और कई लोग क्या करते हैं मालूम, ये भी बता रहा हूँ, कई लोग सर बोले यहाँ 60 प्रश्न बना के आना है, 50 एकदम सही बना, उससे 60 मेरे बोलने के कारण 10 क्वेश्चन गलत कर बना के आ गया, और मालूम कट ऑफ मार्क्स 50 ही था, ठीक है, कट ऑफ मार्क्स 50 ही था मेरे बोलने पे, वो 10 क्वेश्चन 10 में से क्या हुआ, 10 में से जो है 5 गलत हो गए, 5 सही हो गए, तो पूरा माइनस मार्किंग में गड़बड़ा गया, वो 49 हो गया उसका, अब 49-48 हो गया, वो मेरे कारण गड़बड़ा गया, ये बोलना गलत है। और आपको भी वहीं से आपका शुरू हो जाता है इंटरव्यू, आप किसके साथ रहते हैं, कैसे बातचीत करते हैं, आपका नेचर कैसा है, बिहेव कैसा है, और रोज अलग अलग एक्टिविटी होती है ना, उसमें स्टोरी टेलिंग होती है, अपने बारे में बताओ होता है, एक दिन इंटरव्यू होता है, एक दिन फिजिकल होता है, एक दिन टास्क देते हैं, और कुछ आपको वो प्रश्न भी देंगे, समस्या वाले प्रश्न देंगे, कैसे हल करेंगे, रोज अलग अलग चीजें एक्टिविटीज होती है, और वहां पे आप झूठ बिल्कुल नहीं बोल सकते, जो आपका सही जो आपका व्यक्तित्व वो एकदम निकाल लेते हैं, ये चीज है। तो उसके लिए ना अलग अलग का दिन का अलग अलग अपना काम है भैया, है ना? मैं एसएसबी के इंटरव्यू की,
उसके लिए ना अलग अलग पोर्शन का अलग अलग है। बस इतना बता सकता हूँ कि उसकी जो मुख्य बातें हैं कि वो ये है कि जो आप हो वही प्रस्तुत करिए, झूठ मत बोलिए, बनावटीपन मतलब ये वहां पर ठीक है, और कह सकते हैं आत्मविश्वास बढ़िया रखिए, सकारात्मक दृष्टिकोण रखिए और थोड़ा सा ह्यूमन वैल्यूज को लेकर चले अपने आंसर डिजाइनिंग में, स्टोरी टेलिंग में, तो मेरे ख्याल से और टीम लीडर वाला कॉन्सेप्ट आप में दिखना चाहिए, आराम से सिलेक्शन होता है। मेरे यहाँ से मैंने चार लोग को इंटरव्यू की तैयारी कराई थी, चार अभी मतलब चार लोग कैप्टन है आज के डेट में, जिसमें एक लड़का योगेश खड़े करके एक लड़का है, वो पूरा यूपीएससी रैंक फर्स्ट रहा है, मतलब ऑल इंडिया टॉपर रहा है, अभी कैप्टन है वो, उसमें एक लड़की भी रही है। तो उसमें उन लोगों से मैंने यही जाना है, मैं सिर्फ इंटरव्यू की तैयारी कर रहा हूँ ये भी बताया था, बाकी पोर्शन उन लोगों ने खुद तैयार किया है। ठीक, चलिए और माइक अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। ये 50% वाला क्वेश्चन है, कोई डाउट है? देखिए अगर फिल्म में आपका 50-50 है तो ये आपके ऊपर निर्भर करेगा भाई, क्योंकि आपके ऐसे 50 वाले कितने क्वेश्चन को आप टिक कर रहे हैं, अगर ज्यादा क्वेश्चन टिक करेंगे तो इसमें रिस्क वाली बात है और रिस्क में आपका हो सकता है आगे नुकसान हो जाएगा, तो उसको देख के आप प्रश्न करिए। मॉक में होता है जैसे टॉपिक मॉक इंटरव्यू को फिर से पढ़ना पड़ता है, मतलब कम नंबर आता है। हाँ, देखिए मॉक टेस्ट सबसे पहली बात तो जहां मॉक टेस्ट दे रहे हैं ना उस संस्थान का भी सही संस्थान का चयन करें, आजकल मॉक टेस्ट लेना भी एक कहीं ना कहीं बच्चों का वो लेने का एक माध्यम बन गया है और अपने स्टूडेंट का स्टेटस का एक माध्यम बन गया है, जबकि अधिकांशतः देखा गया मॉक टेस्ट से क्वेश्चन पीएससी में जा टकराते नहीं है, तो मॉक टेस्ट तो आप संस्थान का आप सबसे रिविजन पे ज्यादा फोकस करें आप, और मॉक टेस्ट देने का समय भी डिसाइड कर ले आप। जनरली लोग क्या करते हैं, जैसे 15 फरवरी को एग्जाम है तो अगर मैं रहूंगा ना तो 15 फरवरी का एग्जाम है तो मैं दिसंबर में मॉक टेस्ट देना पसंद करूंगा और 1 दिसंबर तक अपनी पढ़ाई कंप्लीट करूंगा, फिर मॉक टेस्ट दूंगा ताकि मॉक टेस्ट में अगर कोई कमी है तो उसको मैं सुधार करने का मेरे पास 1 महीने समय हो। जनरली बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं कि 1 फरवरी से मॉक टेस्ट देना शुरू करते हैं और जब मॉक टेस्ट में गड़बड़ाते हैं तो फिर ये जो आपकी स्थिति है ना कि आपका कॉन्फिडेंस आपका कम हो जा रहा है, क्योंकि आप आपके पास सुधारने का समय नहीं है तो आप वहां पे गड़बड़ाते हैं। यही स्ट्रेटेजी की दिक्कत है आपके साथ, स्ट्रेटेजी होनी चाहिए आपकी कि दिसंबर में कंप्लीट हो, फरवरी जनवरी मॉक टेस्ट दे, पूरा फरवरी फिर पढ़े हम, और मॉक टेस्ट भी 10-12 दिन का ही देना चाहिए ताकि 1 महीने और सुधार कर सके अपने आप में आप। ठीक है, चलिए और कुछ और मन में कुछ आप लोग के बातें हो कोई भी पीएससी, और कभी भी आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं, मैडम लोग के पास नंबर है ना, और इंटरव्यू पे कभी बातें करनी हो और भी कोई हो तो आप बिल्कुल मेरे से बात कर सकते हैं। ठीक ठीक है मैडम, यही समाप्त करते हैं, फिर इतना बज गया। कि समय बहुत मूल्यवान है, उम्र के महत्व को समझिए अपना, लड़के हो चाहे लड़कियां हो, मेहनत करने मेहनत का कोई विकल्प नहीं है पहला नियम, कठोर परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है नंबर 3, निरंतर अथक प्रयास आपको करना ही पड़ेगा, रुकना नहीं है, असफलताओं से डरना नहीं है, निरंतर अपने आप को सुधार करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए, मानसिक रूप से मजबूत बनिए, मानसिक रूप से दृढ़ बनिए, अपना उत्साह स्वयं को बढ़ाना है, और नंबर 3, विरोधों के बीच पढ़ना पड़ेगा ये मानसिकता बना के चलिए, असफलताओं के बीच ही अपने आप को पढ़ना ये मानसिकता बना के चलिए, अब कोई दूसरा उत्साह बढ़ाने नहीं आएगा, हमें स्वयं अपना उत्साह बढ़ाना पड़ेगा, रणनीति बना के पढ़िए और धैर्य बहुत जरूरी इस पेशेंस फील्ड में, धैर्य बनाइए, त्याग करने के लिए रहिए, 100% दीजिए, 100% देने का आनंद कुछ और है। ठीक है, और मजा आएगा, बहुत सरल है, कोई मजबूत फील्ड नहीं है, मतलब कठिन काम नहीं है ये, सिलेक्शन आराम से होता है। ठीक है, और नई नई किताबें पढ़ने के लिए तैयार रहिए और किताबें खूब पढ़िए, नोट्स की अपेक्षा किताबें पढ़िए, नोट्स स्वयं बनाइए आप, समझ रहे, इतना ही कहूंगा अंत में। ठीक, धन्यवाद।
सर को मैं विनम्र साधुवाद करती हूँ जिन्होंने हमारे आतिथ्य को स्वीकार किया और आज सहज और बहुत ही सरल शब्दों में प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित सार गर्भित जानकारी दी। अब हमें उस यथा ज्ञान से अपने लिए सार्थक मार्ग का चयन करना है जिसमें हमें शामिल करना है विश्लेषणात्मक अध्ययन, साथ ही सार्थक मैनेजमेंट और हमारे उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए एक अच्छा नियोजक बनना है और सीखने की विनम्रता जो है वो हमें लानी है। सर का आज का जो आयोजन है उसका मुख्य उद्देश्य बस सभी छात्रों को ये बताना है कि उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। ये सर का उद्देश्य था आज का, जो आपको अभिप्रेरित करेगा आगे बढ़ने के लिए। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए IQAC कोऑर्डिनेटर साथ ही डिप्टी डायरेक्टर साई महाविद्यालय डॉक्टर ममता सिंह मैम जिन्होंने कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की है उनसे अनुरोध है, मैं उन्हें आमंत्रित करती हूँ कि वो मंच पर आकर दो शब्द कहें और आज के कार्यक्रम की रूपरेखा के विषय में कुछ व्यक्त करें। थैंक यू अंजू। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बलराज ताम्रकर सर हमारे बीच उपस्थित हुए, अपने इतने कीमती समय में हमें समय दिया। सर गवर्नमेंट कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे कार्यरत हैं और पिछले, जैसा कि अंजू ने बताया भी आप सभी को, 22 ईयर से वो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियों के लिए बच्चों को मार्गदर्शन देते चले आ रहे हैं और आगे भी देते रहेंगे ये उम्मीद है। आज के इस सेशन में आपने देखा कि वेबिनार और सेमिनार दोनों के माध्यम से ये रखा गया क्योंकि गवर्नमेंट के कुछ रूल्स ऐसे हैं कि बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ हम नहीं कर सकते थे, पर मैक्सिमम स्ट्रेंथ इसमें आई, 100+ बच्चे जुड़े हुए थे और ऑफलाइन माध्यम से भी आप सभी यहाँ बैठे हैं और निसंदेह आप सभी लाभान्वित हुए होंगे और आपकी जितनी भी शंकाएं आई सर ने अलग अलग माध्यम से और बहुत सरल तरीके से उनको सॉल्व करने की कोशिश करी और आप सभी उससे संतुष्ट होंगे ऐसा उम्मीद करती हूँ मैं। सर ने आपको एक स्ट्रेटेजी बताया कि कैसे आपको प्लान करना है। सबसे पहले तो मनोवैज्ञानिक तरीके से आपको खुद प्रिपेयर होना है कि क्या मैं इस परीक्षा को देने के लिए मेंटली प्रिपेयर हूँ, क्या मैं उसको ऐसी तैयारी कर रहा हूँ, फिर हम रिजल्ट की अपेक्षा करें। हम क्या करते हैं कि मुझे ये बनना है, मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए, मुझे SSC का एग्जाम देना है, पटवारी बनना है, पर उसके पहले आप क्या दे रहे हो। हम हमेशा सोचते हैं सामने वाला हमें क्या दे रहा है, पर हम ये सोचे कि हमने कितना एफर्ट दिया उसके हिसाब से हम क्या रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो मनोवैज्ञानिक तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करिए कि हाँ मेरा 100% ऑप्टिमम अगर मैंने दिया है तो मैं वैसा रिजल्ट एक्सपेक्ट करूं और अगर नहीं दिया तो मैं वैसा रिजल्ट एक्सपेक्ट करूं। तो कभी भी हमें निराशा भी नहीं होगी। सर ने आपको स्ट्रेटेजी बना के पढ़ने के लिए कहा और साथ ही साथ टाइम मैनेजमेंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, चाहे हम एग्जाम की तैयारी करें या डेली रूटीन में टिल एंड ऑफ आवर लाइफ, हमारे जीवन के अंतिम दिन तक जब तक हमारे हाथ पर चलते हैं, ठीक है, हर दिन का रूटीन तय होना चाहिए तो हम अपने लाइफ में हमेशा सक्सेस होंगे, चाहे वो जॉब के लिए हो, पढ़ने के लिए हो। पढ़ने के लिए आप सभी विद्यार्थी हैं, आपको पता है कि हमें टारगेट सेट करके ही पढ़ना चाहिए, सर ने भी आपको बताया, और डेली का टारगेट उसको अगर हम सेट करके पढ़ते हैं तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि हमारा सिलेबस कवर नहीं होगा, पर ऐसा नहीं होता। आपके साथ भी, हम लोग भी जब थे स्टूडेंट लाइफ में, इवन आज भी हम लोग थोड़े दिन पहले भी एग्जाम दिए हैं तो उसको सेट नहीं कर पाते कहीं ना कहीं, तो वो अचीव नहीं कर पाते, इसलिए हमें लास्ट में फेलियर मिलता है। देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस, सर ने बताया कि कोई शॉर्टकट नहीं है सक्सेस का और हार्डवर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। अगर आपको हार्डवर्क करना है तो आप शॉर्टकट माध्यम नहीं होगा उसका। तो स्ट्रेटेजी बना के, टाइम टेबल बना के, अपनी दृढ़ता को रखते हुए, अपनी महत्वाकांक्षा को रखते हुए, धैर्य रखते हुए,
तैयारी जरूर मिलेगी आज के इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से संचालन के लिए। अंजू को मैं धन्यवाद देती हूँ, साथ ही पूरी कमेटी, पूरा साई कॉलेज जिसने आज ये ऑर्गेनाइज देती हूँ कि सर ने अपना समय निकाला आज हमारे बीच उपस्थित हुए। भविष्य में हम कैरियर काउंसलिंग सेल के द्वारा ऐसी और एक्टिविटी कराते रहेंगे। और आप आज बहुत सारी क्वेरीज ऐसी थी तो उस सबसे रिलेटेड भी आगे हम ऐसी इस टाइप का कोई प्रोग्राम बिल्कुल ही आयोजित करेंगे। नेक्स्ट मैं आज इसी प्लेटफॉर्म से आपको अनाउंस भी करना चाहूंगी कि विद इन वन वीक एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे हम एक सेमिनार करने हैं। सिमिलरली वो सेमिनार प्लस वेबिनार होगा, आप दोनों माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो आज का ये कार्यक्रम यही समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।